गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। ठीक है, चलो आज का हमारा लास्ट सेशन है, ये चैप्टर खत्म करते हैं अपील, फिर एक छोटा सा चैप्टर इंस्पेक्शन सर सीजर, और लास्ट में मिसलिनियस चैप्टर में कुछ इंपॉर्टेंट प्रोविजन आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, आई होप आपने रिफंड का चैप्टर चार्ट बनाया होगा ऐसा सोच रहा हूँ, जैसे मैंने आपको बताया है। जिसने भी बनाया वो व्हाट्सएप पे शेयर कर सकते हो, और फेस टू फेस बैचेस में आज जिसने भी बनाया होगा तो ये लेक्चर के एंड में मैं वो यहाँ अटैच करूँगा, अगर फेस टू फेस में किसी ने बनाया होगा तो। नहीं बनाया होगा तो फिर ये लेक्चर के एंड में अटैचमेंट नहीं दिखेगा, लेकिन हाँ आप ट्राई जरूर करो जैसा मैंने आपको बताया है, जिस तरह से बताया है। ओके, वो चार्ट आप जरूर ट्राई करो। चलो अब सेक्शन 107 से लेके तो सेक्शन 121, सेक्शन वगैरह याद रखने की कोई जरूरत नहीं है, जितना आपको याद रखना था ओके मैंने आपको बताया। नाउ अपील एंड रिवीजन। चलो भाई, ये अपील और रिवीजन में हम क्या पढ़ने वाले हैं? तो अपील और रिवीजन में ये एक पर्सन के पास रेमेडी है कि अगर उसके अगेंस्ट में ऑर्डर आया, मे बी स्क्रूटिनी असेसमेंट का ऑर्डर है, या फिर बेस जजमेंट का ऑर्डर है, समरी असेसमेंट का ऑर्डर है, या फिर यहाँ पे 73 और 74 की एक्शन इनिशिएट हुई है उसकी ऑर्डर है, या रिफंड का ऑर्डर है, रिजेक्शन ऑफ रिफंड एंड एक्सेट्रा, यानी ये एक्ट में जहाँ पे भी ऑफिसर को ये पावर थी टू गिव क्या ऑर्डर्स, उसके अगेंस्ट में उसको अपील फाइल करना है, तो वो यहाँ पे अपील या रिविजन में यह जा सकता है। तो ऑर्डर 60 आप अगर देखते हो तो 62, 63, 64 समरी असेसमेंट एंड एक्सेट्रा। ओके, तो अब दो वर्ड यहाँ पे है, एक है अपील और दूसरा है रिविजन। ओके, व्हाट डू यू मीन बाय अपील? अपील मतलब यू आर द एग्रीड पर्सन, मतलब आप जो भी ऑर्डर दिया उससे आप सेटिस्फाइड नहीं हो और आप कोर्ट में उसको चैलेंज करना चाहते हो, उसको कहते हैं अपील। और रिविजन, रिविजन मतलब आपको ऐसा लग रहा है, कभी कभी क्या है लोग अपील में नहीं जाते हैं, लोग रिविजन में जाते हैं। रिविजन में मतलब इस तरह से होता है कि यहाँ पे आपको ऐसा लग रहा है कि भाई जो असिस्टेंट कमिश्नर है, डिप्टी कमिश्नर है, उसने ऑर्डर सभी फैक्ट्स को ध्यान में रखते हुए नहीं दिया है, तो रैदर देन गोइंग अपील आप उसके हायर अथॉरिटी के पास जा सकते हो कि भाई असिस्टेंट कमिश्नर की हायर अथॉरिटी, एडिशनल कमिश्नर, उनके पास जा सकते हो और लोअर अथॉरिटी का ऑर्डर आप रिविजन करवा सकते हो कि इसमें थोड़ा आप रिविजन कर दो तो ज्यादा बेटर, हम आगे डिस्कशन करेंगे। ओके, नाउ यहाँ पे कुछ डेफिनेशन। अपीलेट अथॉरिटी, अपीलेट ट्रिब्यूनल, ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव, कमिश्नर एंड रिविजनल अथॉरिटी, मतलब डेफिनेशन में ऐसा कुछ खास नहीं है, एज पर सेक्शन 107 109। ओके, या एज पर सेक्शन 108, तो आगे जब हम सेक्शन देखेंगे तो उसमें ही हम यहाँ डिस्कशन करेंगे। नाउ नेक्स्ट, एक चार्ट बनाना है बेटा, चार्ट बड़ा है, अगर स्मॉल हैंडराइटिंग में लिख सकते हो तो यहाँ बना, नहीं तो फिर आपके नोटबुक के दो पेजेस लो, मेक इट हॉरिजेंटल। ओके, एक ही पेज मैंने दिया है चार्ट के लिए, यहाँ बनाना है तो यहाँ बनाओ, अदरवाइज नोटबुक में भी आप बना सकते हो। तो चार्ट किस तरह से बनाना है चलो मैं आपको यहाँ गाइड करता हूँ। ये चार्ट में मैं पूरा फ्लो आपको बता दूंगा, यानी पूरा अपील, रिव्यू, रिविजन, तो ये चार्ट में सब कुछ हमारा कवर हो जाएगा, फिर थ्योरेटिकल हमको पढ़ना है। तो ये चार्ट में देखो, यहाँ पे लिखो एडजुडिकेशन बाय प्रॉपर ऑफिसर सेक्शन 62 63, आ 62 क्या था, कुछ याद आ रहा है आपको? नहीं याद आ रहा होगा। अच्छा, 59 क्या था? सेल्फ असेसमेंट। 60 क्या था?
प्रोविजनल असेसमेंट, ओके, उसके बाद में 61 स्क्रूटिनी असेसमेंट, 62 बेस जजमेंट असेसमेंट फॉर नॉन फिलर्स, 63 अनरजिस्टर्ड का बेस असेसमेंट, 64 क्या था नहीं पता, 65 नहीं पता, 66 नहीं पता, समरी असेसमेंट था ना, तो 62, 63, 64, 65 या 73 या 74, ओके, ये सेक्शन में एडजुडिकेशन हुआ होगा, ऑर्डर आई होगी, ठीक है। अब इतने सेक्शन में अगर आपका एडजुडिकेशन होता है तो वो सिचुएशन में यहां दो पॉसिबिलिटी है, चलो मेरे साथ ड्रॉ करते जाओ, ओके। ठीक है, ऑर्डर बाय प्रॉपर ऑफिसर, और इधर ऑर्डर बाय ऑफिसर्स बिलो बिलो द रैंक ऑफ आर ए रिविजनल ऑथोरिटी, ये शॉर्ट फॉर्म में बाद में लिखा के दूंगा, व्हाट डू यू मीन बाय आर ए एंड एक्सेट्रा, ठीक है, रिविजनल ऑथोरिटी, नो लेफ्ट साइड में थोड़ा लेफ्ट साइड में थोड़ा जगह छोड़कर थोड़ा नीचे लेकर इस तरह से आपको आगे बढ़ना है, ठीक है। अब देखो यहां पे अपील अपील बाय एग्रीड पर्सन अपील जो जाएगा बाय एग्रीड पर्सन If order is not legal or propriety, order is not legal or propriety, to सीओ डबल एम मतलब कमिश्नर, ये शॉर्ट फॉर्म लिखा के दूंगा मैं, ऑन हिज ओन मोशन और ऑन रिक्वेस्ट ऑफ कमिश्नर ऑफ सीजीएसटी और यूटीजीएसटी रिव्यू के लिए जाएगा, रिव्यू के लिए जाएगा। नेक्स्ट इफ ऑर्डर ऑफ ऑफिसर
is erroneous. Second, illegal or improper or not considering material facts, material facts. It affect the revenue of government तो यहां पे रिवीजन होगा और लिखो रिवीजन बाय आरए, रिवीजन बाय आरए एक मिनट आरए रिवीजन जो होगा एनहांसमेंट और मॉडिफाइंग और एनलिंग एनलिंग द ऑर्डर और यहां पे आएगा अपील, अपील जाएगी टू अपीलेट अथॉरिटी अथॉरिटी जिसको हम एए बोलेंगे और इतना स्पेस ब्लैंक रहने देना ए बोलेंगे और ये स्पेस थोड़ा ब्लैंक रह देना इसमें कंटेंट आएगा आगे लिखा आपने नहीं आ रहा है ठीक फुल स्क्रीन नहीं आ रहा है लिख लिया पूरा ठीक है उसके बाद में यहां पे ये दोनों को कंबाइन करो ठीक है लिखो अपील against order of AA or RA. Appeal against order of AA and RA. Appellate authority. Appellate authority. फिर उसके नीचे दो पार्ट करना
लिखो, इफ ऑर्डर ऑफ ए ए और एक मिनट अपीलेट ऑथोरिटी, सॉरी गलती है कि अपीलेट ट्रिब्यूनल चाहिए यहाँ पे, अपीलेट ट्रिब्यूनल, ये करेक्शन करना, अपीलेट ट्रिब्यूनल, इफ ऑर्डर ऑफ ए ए और आर ए वे वन ऑफ द डिस्प्यूटेड पॉइंट, डिस्प्यूटेड पॉइंट इज इन रिलेशन टू POS, place of supply. It is in relation to place of supply. Or in other case. Appeal to national और रीजनल ट्रिब्यूनल, नेशनल और रीजनल ट्रिब्यूनल, और ये केस में अपील टू स्टेट और एरिया ट्रिब्यूनल, स्टेट और एरिया ट्रिब्यूनल्स, ठीक है। अब इसमें नीचे अपील अगेंस्ट दिस ऑर्डर, अगेंस्ट दिस ऑर्डर directly to Supreme Court, और यहां लिखो Supreme Court, directly to Supreme Court, और ये अगर area bench होगा अपील अगेंस्ट दिस ऑर्डर अगेंस्ट दिस ऑर्डर इफ क्वेश्चन ऑफ लॉ इज इन्वॉल्व देन हाईकोर्ट, अपील हाई कोर्ट को जाएगी और फिर हाई कोर्ट से कहाँ जाएगी बेटा, सुप्रीम कोर्ट, अपील टू सुप्रीम कोर्ट, अपील टू सुप्रीम कोर्ट इफ हाई कोर्ट फिट द केस, हाई कोर्ट सर्टिफाई certify that case is fit for किसके लिए, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट से सर्टिफाई करके लेना पड़ता है, केस इज फिट फॉर सुप्रीम कोर्ट, डन। चलो एक बार पूरी प्रोसेस को समझ लो भाई, ऑर्डर आ गया ठीक है ऑफिसर का, जो भी है बेस जजमेंट समरी असेसमेंट 73 74, ओके, या रिफंड रिजेक्शन, जो भी ऑर्डर आ गया ऑफिसर का। अब ध्यान से सुनना, ऑर्डर आने के बाद
यहाँ पे कोई प्रॉपर ऑफिसर ने ऑर्डर दिया है या ऑफिसर बिलो द रैंक ऑफ रिविजनल अथॉरिटी, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, एक एक प्रोसेस लेता हूँ। ऑर्डर आ गए, ऑर्डर होने के बाद मुझे अपील में जाना है बाय एग्रीड पर्सन, ठीक है। अब ऑफिसर के ऑर्डर के अगेंस्ट में टैक्स पेयर ही एग्रीड पर्सन रहेगा, खुद ऑफिसर तो नहीं रहेगा। कि मैंने ऑर्डर दी और मैंने ऑर्डर देने के बाद मैं ही ऐसा लग रहा है कि नहीं, मैं मेरे ऑर्डर के अगेंस्ट में अपील फाइल करूं, ऐसे कैसे हो सकता है? तो यहां एग्रीड पर्सन नॉर्मली कौन रहेगा? टैक्स पेयर ही रहेगा। ओके, टैक्स पेयर ही एग्रीड पर्सन रहेगा, तो वो अपील फाइल करना चाहता है। तो पहली अपील जाती है अपीलेट अथॉरिटी के पास, और अपीलेट अथॉरिटी जनरली कमिश्नर अपील्स, कौन रहता है जनरली? कमिश्नर। मैं लिखवा के दूंगा, उतना स्पेस रोना कि पहली अपील कमिश्नर अपील के पास जाती है। एक एक फ्लो कंप्लीट करता है। कमिश्नर अपील के पास जाएगी, फिर कमिश्नर अपील वो फैक्ट्स को कंसिडर करेगा, चीजें सब देखेगा और अपनी ऑर्डर देगा। अब कमिश्नर अपील सुनो, कमिश्नर अपील जिसे हम जीएसटी में कमिश्नर अपील की जगह अपीलेट अथॉरिटी बोलना, क्या बोलना बेटा? अपीलेट अथॉरिटी। अब अपीलेट अथॉरिटी की ऑर्डर आने के बाद आप उससे सेटिस्फाइड नहीं हो और वो ऑर्डर के अगेंस्ट में आप आगे बढ़ना चाहते हो, आगे जाना चाहते हो, तो ऐसे केस में उसके ऑर्डर के अगेंस्ट में अपील फाइल करना है तो किसके पास जाएगा बेटा? अपीलेट ट्रिब्यूनल, अपीलेट ट्रिब्यूनल के पास जाएगा। अब थोड़ा ध्यान से सुनना, अपीलेट ट्रिब्यूनल के पास जाने के बाद अगर ऑर्डर में डिस्प्यूटेड पॉइंट प्लेस ऑफ सप्लाई का होगा तो ट्रिब्यूनल के चार बेंच बनाए हुए, ये चार बेंच बहुत अच्छे से समझाओगे आगे, अभी सिर्फ समझ लो। एक है नेशनल एंड रीजनल ट्रिब्यूनल, ओके, और एक है यहां पे स्टेट एंड एरिया ट्रिब्यूनल। तो ट्रिब्यूनल के चार बेंच है, नेशनल, रीजनल, स्टेट एंड एरिया। ओके, इसमें क्या होगा ध्यान से सुनना, स्टेट और एरिया में मतलब केसेस छोटी होगी, अभी तक लिमिट नहीं आई है, पर केसेस अगर छोटी होगी तो वो एरिया में जाएगी, उससे बड़ी केस होगी तो स्टेट ट्रिब्यूनल में जाएगी। लेकिन मतलब कोई भी केस, वो लिमिट आएगी 1 करोड़ तक का केस, 2 करोड़ तक का केस, तो एरिया बेस्ड ट्रिब्यूनल में जाना है या स्टेट ट्रिब्यूनल में जाना है। ओके, लेकिन यहां पे वेट वेट वेट, एक काम करना, तू ही बैठ जाना उधर जाके, ठीक है। तो अब यहां पे ओके, एरिया बेस और स्टेट ट्रिब्यूनल। नेक्स्ट अगर हम यहां पे ये देखें तो नेशनल और रीजनल ट्रिब्यूनल में केस कब जाएगी? जब मैटर प्लेस ऑफ सप्लाई का होगा, जब मैटर प्लेस ऑफ सप्लाई का होगा। तो प्लेस ऑफ सप्लाई का मैटर क्यों? क्योंकि ये मैटर बड़ा इंपॉर्टेंट है। इस प्लेस ऑफ सप्लाई में अगर आईजीएसटी लगता है या एसजीएसटी लगता है, इसमें दो स्टेट इन्वॉल्व हो जाते हैं। दो स्टेट इन्वॉल्व होने की वजह से ये मैटर स्टेट या एरिया बेंच को नहीं दिया है, ये मैटर किसको दिया है? नेशनल एंड रीजनल बेंच को दिया है, नेशनल और रीजनल बेंच को दिया है। तो अगर नेशनल या रीजनल ट्रिब्यूनल बेंच के पास केस तभी जाएगी जब पूरे डिस्प्यूट में एक भी पॉइंट अगर किससे रिलेटेड हो? प्लेस ऑफ सप्लाई से रिलेटेड हो। ओके, बाकी सभी मैटर पे कि प्लेस ऑफ सप्लाई का इश्यू ही नहीं है उसमें, तो बाकी सब मैटर में यहां पे किसके पास जाएगा? स्टेट या एरिया बेंच, ठीक है। अब खास बात क्या बेटा, अगर नेशनल या रीजनल ट्रिब्यूनल बेंच होगा ओके, तो उसके अगेंस्ट में अपील फाइल करना है तो डायरेक्ट कहां जाएगा? सुप्रीम कोर्ट में, डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में चले जाएगा केस, आप डायरेक्ट अपील फाइल, हाई कोर्ट बीच में नहीं आएगा। ओके, यानी आप ऐसा समझो कि नेशनल और रीजनल जो ट्रिब्यूनल है उसको इक्वलेंट टू हाई कोर्ट रखा है, नहीं समझा आप? इक्वलेंट टू क्या? हाई कोर्ट रखा है, और उसका केस डायरेक्टली किसके पास जाएगा? सुप्रीम कोर्ट के पास। नाउ स्टेट और एरिया बेंच का केस किसके पास जाएगा? हाई कोर्ट। हाई कोर्ट पर जब जाएगा तो वन ऑफ द क्वेश्चन जो रहेगा, सॉरी, हाई कोर्ट के पास तभी जाएगा जब वो क्वेश्चन ऑफ लॉ होगा। अब क्वेश्चन ऑफ लॉ होगा मतलब इंटरप्रिटेशन पे होगा, मतलब फैक्ट्स पे नहीं होगा। ओके, क्वेश्चन ऑफ लॉ इन्वॉल्व होगा, इंटरप्रिटेशन मैटर है, क्लैरिटी नहीं है, डिस्प्यूट है, अलग अलग ट्रिब्यूनल के अलग अलग डिसीजन है, तो वो केस में वो डिसीजन हाई कोर्ट के पास जाएगा। और हाई कोर्ट से फिर अगर इसके अगेंस्ट में भी अपील फाइल करनी है तो कहां जाएगा बेटा? सुप्रीम कोर्ट। पर खास बात बताओ, क्या आपको खास बात बेटा ये है कि
अगर हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट ले जाना है तो हाई कोर्ट से ही सर्टिफाई करवा के लेना पड़ता है, द केस इज फिट फॉर क्या, सुप्रीम कोर्ट। बहुत सी बार हाई कोर्ट जब ऑर्डर देता है, कभी पढ़ना आपने बायोटेक्स, हाई कोर्ट ऑर्डर देता है तो एज पर अवर ओपिनियन ये रहेगा, बट यू कैन टेक दिस केस फॉर क्या, सुप्रीम कोर्ट। हाई कोर्ट ऑर्डर में लिख देता है कि भाई हमारा ये ओपिनियन है, हमारा ये ऑर्डर है, लेकिन आपको लगता है तो ये केस आप सुप्रीम कोर्ट में ले जा सकते हो। लेकिन अगर हाई कोर्ट उसे सर्टिफाई नहीं करता है तो केस सुप्रीम कोर्ट में नहीं जाएगा। इज इट क्लियर? ये था बेटा रिगार्डिंग टू अपील का फ्लो, एक बार फिर से हो जाए। ओके, ऑफिसर के ऑर्डर के अगेंस्ट में अपील किसके पास जाएगी? पहली अपीलेबल अथॉरिटी अपीलेट ट्रिब्यून, अपीलेट अथॉरिटी। ओके, जिसे हम कहेंगे कमिश्नर अपील्स। इज इट क्लियर? फिर उसकी केस आगे किसके पास जाएगी? ट्रिब्यूनल्स। ट्रिब्यूनल के टोटल कितने बेंच होते हैं? 4, नेशनल एंड रीजनल, और उसके बाद में स्टेट एंड एरिया। ओके, ये कैसे बनता है मैं बताऊंगा, पर नेशनल एंड ट्रिब्यूनल, स्टेट एंड एरिया। ओके, अच्छा, नेशनल या रीजनल ट्रिब्यूनल के पास केस कब जाएगा? जब एक डिस्प्यूटेड पॉइंट किसका होगा बेटा? पीओएस का होगा, और बाकी सब केसेस किसके पास जाएगी? स्टेट और एरिया। और नेशनल और ट्रिब्यूनल से डायरेक्ट केस के पास जाएगा बेटा? सुप्रीम कोर्ट। ओके, और यहां पे स्टेट और एरिया बेस्ड ट्रिब्यूनल का केस किसके पास जाएगा? हाई कोर्ट। और हाई कोर्ट से बेटा ये सुप्रीम कोर्ट। ये हमने पूरा फ्लो देखा। नाउ नेक्स्ट आते हैं, अगर ऑफिसर ने ऑर्डर दिया और वो ऑर्डर लीगल या प्रोप्राइटी नहीं है, ऐसा कमिश्नर को लग रहा है। अब कमिश्नर को ऐसा लग रहा है कि ऑफिसर ने, एग्जाम्पल के तौर पर यहां पे हमारा कोई कंपोजिट सप्लाई है, ओके, या कोई मिक्स सप्लाई है, समझ लो सप्लाई मिक्स है, और ऑफिसर ने ऑर्डर दे दिया कि नहीं, ये कंपोजिट सप्लाई, और कंपोजिट सप्लाई में प्रिंसिपल सप्लाई का रेट, ओके, जो यहां पे लो रेट है उसमें जाएगा। ये चलो छोड़ दो, मेरा केस ले लो। ऑफिसर ने मुझे ऑर्डर दे दिया कि भाई पेनड्राइव क्लासेस 12%, पेनड्राइव क्लासेस क्या 12%, ऑफिसर ने ऑर्डर दे दिया, ठीक है भाई, पहले तो केस लगाई थी मेरे अगेंस्ट में कि भाई नहीं, पेनड्राइव क्लासेस 18% में आएगा। फिर मैंने रिप्रेजेंट किया मेरे केस को, ऑफिसर को ठीक लगा, ऑफिसर 12% में एग्री हो गया और उसने ऑर्डर फाइनल कर दिया कि ठीक है 12%। लेकिन बाद में हायर ऑथोरिटी को लगा कि ये ऑर्डर लीगल या प्रोप्राइटी नहीं है, उसकी जो भी है, फिर ऑर्डर आईटीसी का हो, वैल्यूएशन का हो, कंपोजिशन स्कीम का हो, आरसीएम का हो, या सप्लाई का हो, या व्हाटएवर इट मे बी, उसके कमिश्नर को लगा कि भाई लीगल और प्रोप्राइटी नहीं है ऑन हिज ओन मोशन, या फिर स्टेट कमिश्नर सी, ओके, एक मिनट, यहां एक करेक्शन करना, रिक्वेस्ट ऑफ एसजीएसटी कमिश्नर और यूटीजीएसटी कमिश्नर। तो एसजीएसटी और यूटीजीएसटी कमिश्नर ने इन्फॉर्म किया कि भाई, हाँ, एसजीएसटी और यूटीजीएसटी कमिश्नर ने इन्फॉर्म किया कि भाई आपके जो कमिश्नर ने ऑर्डर दिया है, मतलब सीजीएसटी, अब दो कमिश्नर आ जाएंगे, सीजीएसटी कमिश्नर एंड एसजीएसटी कमिश्नर, ये यूटीजीएसटी कमिश्नर, और एक आईजीएसटी कमिश्नर भी रहेगा। ओके, तो अब मैं आपको बताता हूं, एक्साइज डिपार्टमेंट पूरा कन्वर्ट हो रहा है सीजीएसटी में, वैट डिपार्टमेंट पूरा कन्वर्ट हो रहा है एसजीएसटी में, ओके, दोनों के कमिश्नर अलग रहेगा, वो बात अलग है कि मॉनेटरी लिमिट आएगी, इतने लिमिट तक ये कमिश्नर हैंडल करेगा, इतने लिमिट के बाद सेंट्रल कमिश्नर हैंडल करेगा, मतलब तुम्हारा फ्रॉड अगर अज्यूम करो, अभी तक नहीं आई है पर अज्यूम करो 2 करोड़ के नीचे होगा तो स्टेट कमिश्नर हैंडल करेगा, 2 करोड़ के ऊपर का होगा टैक्स इवेजन तो सेंट्रल कमिश्नर हैंडल करेगा। आई होप यू अंडरस्टूड। ओके, तो अब कमिश्नर को इन्फॉर्म, कमिश्नर खुद होके या स्टेट कमिश्नर ने इन्फॉर्म किया कि भाई तुम्हारे ऑफिसर ने जो ऑर्डर दिया है, ओके, वो लीगल नहीं है, प्रोप्राइटी नहीं है, क्यों? क्योंकि वो ऑर्डर में टैक्स कम पे किया जा रहा है, और इवन दो सीजीएसटी के ऑफिसर ने दिया है वो ऑर्डर, लेकिन उसका इंपैक्ट एसजीएसटी अमाउंट पे भी पड़ता है, क्योंकि जितना सीजीएसटी होगा उतना ही एसजीएसटी होगा, और स्टेट कमिश्नर ने या यूनियन टेरिटरी के कमिश्नर ने इन्फॉर्म किया कि नहीं, वो ऑर्डर लीगल नहीं है या प्रोप्राइटी नहीं है। ओके, तो फिर कमिश्नर वो ऑर्डर जो है रिव्यू के लिए भेजेगा,
कि भाई इसमें सभी फैक्ट्स कंसीडर हुए कि नहीं हुए, रिव्यू के लिए किसके पास भेजेगा बेटा, अपीलेट अथॉरिटी। तो कमिश्नर अपील के पास भेजेगा अपीलेट अथॉरिटी के बाद कि भाई ये ऑर्डर एक बार रिव्यू करके देखो कि ये लीगल है या प्रॉपर्टी है या नहीं है। ओके, तो ये था रिगार्डिंग टू रिव्यू। ओके, अब मैं थोड़ा बेसिक डिफरेंस में आता हूं। क्या बेसिक डिफरेंस, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रिव्यू एंड रिविजन? कम ऑन, क्या रिव्यू एंड रिविजन? रिव्यू मतलब सिर्फ ये देखा जा रहा है कि जब ऑर्डर दी गई थी तो सभी मटेरियल फैक्ट्स को कंसिडर करके दिया है या नहीं दिया है। और रिविजन मतलब ओके, जिसमें ये क्लियर है कि ऑर्डर इरोनियस है, इलीगल है। यहां अभी तक क्लियर नहीं है, डाउट है कि ऑर्डर में सभी फैक्ट्स कंसिडर नहीं किए है, तो एक बार फिर से देख लो, तो उसको कहते हैं हम क्या बेटा, रिव्यू। और रिविजन कब होता है? रिविजन होता है कि जब ऑर्डर इरोनियस ये कंफर्म हो गया, या इलीगल है, इम्प्रॉपर है, या नॉट कंसिडरिंग मटेरियल फैक्ट्स है, तो फिर वो ऑर्डर जो मतलब इलीगल है, इरोनियस है, नॉट कंसिडरिंग मटेरियल फैक्ट्स है, एंड विच अफेक्ट द रेवेन्यू ऑफ क्या, गवर्नमेंट, तो वो ऑर्डर ली जाती है फिर किसके लिए बेटा, रिविजन के लिए, बाय रिविजनल अथॉरिटी। रिविजनल अथॉरिटी ओके, वो ऑर्डर में टैक्स एनहांस भी कर सकती है, मॉडिफाई भी कर सकती है, या फिर ऑर्डर को एनल भी कर सकती है। एनल मतलब ओके, इनवैलिड भी कर सकती है। ओके, तो ये कहा जाएगा ओके, अपील, रिव्यू एंड रिविजन। ओके, अपील, रिव्यू एंड रिविजन, एक बार हो जाए। अपील मतलब टैक्स पेयर अग्री नहीं है किसके ऑर्डर से बेटा, ऑफिसर के ऑर्डर से। रिव्यू मतलब उसकी हायर ऑथोरिटी ही, कमिश्नर ही एग्री नहीं है, क्योंकि कमिश्नर को ऐसा लग रहा है कि उसके लोअर ऑथोरिटी ने, ये समझ में आया ना, ऑर्डर लीगल नहीं दी, एज पर लॉ नहीं दी, ओके, या प्रोप्राइटी ऑर्डर नहीं है, और वो सिर्फ चेक करना चाहता है, एक बार रिव्यू करना चाहता है ऑर्डर को। और रिविजन का मतलब, रिविजन का मतलब कि ये कंफर्म हो गया है कि ऑर्डर इरोनियस है, इलीगल है, इम्प्रॉपर है, तो वो केस में रिविजन के लिए लिया जाएगा। अब अपीलेट अथॉरिटी ने आइदर अपील एंटरटेन किया होगा, या रिव्यू एंटरटेन किया होगा, या रिविजनल अथॉरिटी ने रिविजन एंटरटेन किया होगा, इससे अगर कोई अफेक्ट होता है एग्रीड पर्सन, एग्रीड पर्सन मतलब जो ओके, टैक्स पेयर या कोई भी पर्सन जो वो ऑर्डर से अग्री नहीं है, हो सकता है टैक्स पेयर, हो सकता है डिपार्टमेंट जिसकी ऑफिस, हाँ कभी कभी डिपार्टमेंट भी होता है कि जिसकी ऑर्डर रिव्यू में ली गई या जिसकी ऑर्डर रिविजन में ली गई वो उससे अग्री नहीं है, तो वो ट्रिब्यूनल में जा सकता है, अपीलेट ट्रिब्यूनल में जा सकता है। क्यों? क्योंकि अपीलेट अथॉरिटी के ऑर्डर हो सकता है असेसी के फेवर में और डिपार्टमेंट के अगेंस्ट में हो सकता है डिपार्टमेंट के फेवर में हो, असेसी के अगेंस्ट में हो, तो ट्रिब्यूनल में वो आगे बढ़ सकता है। और आगे का फ्लो मैंने आपको बताया कि किस तरह से होता है, ये एक फ्लो दिमाग में रखो तो थ्योरी पढ़ना आसान हो जाएगा। आई होप यू अंडरस्टूड, ठीक है? तो चलो यहां पर देखो, डेफिनेशन ऑफ एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी, ये मैं सेकंड टाइम पढ़ा रहा हूं, डिमांड चैप्टर में मैंने पढ़ाया था। एडजुडिकेशन याद आएगा आपको, एड मतलब एडमिनिस्ट्रेशन और जुडिकेशन मतलब इन जुडिक्शन, आपको याद होगा। तो सीबीआईसी, रिविजनल अथॉरिटी, एडवांस रूलिंग अथॉरिटी, अपीलेट अथॉरिटी और अपीलेट ट्रिब्यूनल छोड़ के बाकी ऑफिसर को एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी माना जाएगा। आपको एक एग्जाम्पल याद आ रहा है, मैंने दिया था कि भाई अगर जज के सामने भी अगर कोई ट्रक में लेके जा रहा हो, कुछ याद आया क्या? जज के सामने भी कोई ट्रक को लेके जा रहा हो, या सीबीआईसी के मेंबर के सामने गुड्स विदाउट इनवॉइस लेके जा रहा हो, तो भी वो रोक नहीं सकते। क्यों? क्योंकि वो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी नहीं है। ये मैंने ऐसा एग्जाम्पल दिया था आपको, तो ये वो डेफिनेशन जहां यहां पे एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी की है। ठीक है, नौ, पहला अपील आ जाओ, अपीलेट, अपील टू अपीलेट अथॉरिटी। हु कुड प्रीफर अपील बिफोर अपीलेट अथॉरिटी एंड व्हाट इज द प्रोसीजर रिक्वायरमेंट? ओके, तो अपील अगेंस्ट द डिसीजन और ऑर्डर पास बाय एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी अंडर सीजीएसटी, एसजीएसटी और यूटीजीएसटी लाइज बिफोर द अपीलेट अथॉरिटी। ओके, तो अंडरलाइन करना, ऑर्डर पास बाय एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी। इंपॉर्टेंट टू नोट दैट इट इज ओनली एग्रीड पर्सन हु कैन फाइल द अपील। हाँ, जो एग्रीड पर्सन होगा वो अपील फाइल करेगा। ऑल्सो अपील मस्ट बी अगेंस्ट द डिसीजन ऑर्डर पास अंडर दिस एक्ट। जब आपकी ए ए को, अपीलेट अथॉरिटी को जाएगा,
तो फॉर्म होगा APL 01। तो आपको अगर हमारे चार्ट में लिखना है तो यहाँ फॉर्म के साथ भी लिख दो अपील, अपील APL 01। जब अपीलेट अथॉरिटी के पास जाएगा तो फॉर्म होगा APL 01। जब अपील जाएगी तो चलो उसके बाद में मैंडेटरी प्री डिपॉजिट्स। हाँ, ये प्री डिपॉजिट्स आपको देने पड़ेंगे। ये कंसेप्ट क्या है मैं आपको आगे बढ़ाऊंगा। ओके, सिर्फ यहां लिख दो हमारे चार्ट में, यहां लिख देना प्री डिपॉजिट्स। आपको प्री डिपॉजिट्स देने पड़ते हैं और वो मैंडेटरी प्री डिपॉजिट्स होते हैं। आपको यहां प्री डिपॉजिट्स देने पड़ते हैं और वो मैंडेटरी प्री डिपॉजिट्स होते हैं। सर, ये प्री डिपॉजिट्स क्या होता है? ओके, ये ऐसा है कि कोई अननेसेसरी अपील करके केस को स्ट्रेच ना करे, इसलिए वो कोर्ट में कुछ डिपॉजिट सबमिट करे। ओके, कि नहीं, मतलब क्या आपका मूड हो गया, आप अपील डाल रहे हो, ऐसा नहीं चलेगा। मेरी बात समझे क्या? आपको कोर्ट अपील आपकी एंटरटेन करनी है तो आपको डिपॉजिट देने पड़ेंगे। सर, कितना डिपॉजिट देना पड़ेगा? आगे एक सेक्शन आएगा। ओके, कितना अमाउंट का डिपॉजिट आपको देना पड़ता है कोर्ट में? कोर्ट आपकी अपील एंटरटेन नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि पुराना गवर्नमेंट का एक्सपीरियंस है, लोग सिर्फ केस को स्ट्रेच करने के लिए अपील फाइल करते हैं कि भाई 10-12 साल चलेगी तब तक रिलैक्सेशन है, जबकि उनको मालूम होता है कि उसने फ्रॉड किया है। तो ऐसे केस में डिपॉजिट लिया जाता है, प्री डिपॉजिट्स। उसके बाद में स्टेट द टाइम लिमिट ऑफ फाइलिंग द अपील टू अपीलेट अथॉरिटी। अ पर्सन एग्रीड बाय द डिसीजन ऑर्डर ऑफ एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी कैन फाइल एन अपील बिफोर एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी विद इन 3 मंथ्स। ओके, अंडरलाइन विद इन 3 मंथ्स। ऊपर चार्ट में जाओ, चार्ट में लिख दो, एक बार फिर याद दिला दो, हम यहां पे अपील टू अपीलेट अथॉरिटी है। अरे है ना, तो बताओ अपील का टाइम लिमिट कितना है? ये प्री डिपॉजिट का स्पेस मत यूज करना, मुझे वो स्पेस चाहिए, इसलिए इधर लिखना अपील टाइम लिमिट है, टाइम लिमिट है 3 मंथ्स। विद इन 3 मंथ्स में अपील फाइल हो जानी चाहिए। ठीक है, उसके बाद में वापस आ जाओ नीचे। फ्रॉम द डेट ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ सच ऑर्डर यहां अपीलेट अथॉरिटी कैन कॉन्डोन द डिले इन फाइलिंग अपील 1 मंथ। अच्छा, जहां हमने अभी चार्ट में 3 मंथ्स लिखा ना, उसके नीचे लिखो कॉन्डोनेशन ऑफ डिले 1 मंथ। उसके नीचे लिखो कॉन्डोनेशन ऑफ डिले 1 मंथ। हाँ, क्वेश्चन अब मेरे साथ ध्यान से पढ़ना, आई नीड योर अटेंशन। मैं फिर से कह रहा हूं, बिना देखे बताना, समझेगा आपको। स्टेट द सर्कमस्टेंसेस फॉर विच कमिश्नर कुड डायरेक्ट द ऑफिसर टू अपील अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी। कौन सी केसेस है जहां कमिश्नर वो केस जो अपने ही ऑफिसर की केस ये डायरेक्ट करेगा कि इसका अपील फाइल करो कमिश्नर अपील के पास? हाँ, देख के बताओ, ध्यान से बताओ, कौन सी ऐसी केस है जहां कमिश्नर खुद ही कहेगा कि उसके ऑफिसर की केस ओके यहां अपील के लिए जानी चाहिए, अपने ऑफिसर की केस? बोलो, चार्ट देख के बताओ कौन सी केस है। हाँ, कमिश्नर खुद ऑन मोशन पे लेगा, बताओ कौन सी केस है? रिव्यू की केस है ना, जब ऑर्डर नॉट लीगल और प्रोप्राइटी। अरे है ना, तो देखो यहां पे एट टाइम्स द डिपार्टमेंट इटसेल्फ नॉट इन एग्रीमेंट विद द डिसीजन ऑर्डर पास बाय एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी सेक्शन 102 प्रोवाइड्स इन सच केसेस डिपार्टमेंट कैन फाइल व्हाट इज कॉल्ड एज रिव्यू एप्लीकेशन और अपील विद अपीलेट अथॉरिटी। वो रिव्यू एप्लीकेशन फाइल करेगा। नाउ यहां कमिश्नर जो फाइल करेगा ऑन हिज ओन मोशन और ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ SGST UTGST कमिश्नर। कुछ याद आ रहा है? ओके, एग्जामिन द रिकॉर्ड ऑफ प्रोसीडिंग विद एन एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी एंड पास एंड डिसीजन ऑर्डर ओके अंडर CGST और SGST एक्ट टू सेटिस्फाई हिमसेल्फ अबाउट क्या बेटा लीगल एंड प्रोप्राइटी ऑफ द सेट डिसीजन
लीगल एंड प्रोप्राइटी ऑफ द सेड डिसीजन, मतलब उसके ही ऑफिसर ने ओके वो जो है ऑर्डर दी वो लीगल है या नहीं है। प्रोप्राइटी मतलब प्रोप्राइटी कंसेप्ट होता है, ऑडिट में आप पढ़ोगे कि अगर उसका खुद का रेवेन्यू होता तो जिस तरह से वो केयर करता, जिस तरह से कॉन्शियस रहता ओके हर फैक्ट्स को देखता, वैसे उसने गवर्नमेंट रेवेन्यू के लिए देखा या नहीं देखा ओके तो वो केस में उसको हम कहते हैं प्रोप्राइटी। नाउ टाइम लिमिट ऑफ फाइल ऑफ एप्लीकेशन, तो अप्लाई टू ए विद इन 6 मंथ्स, लिख दो चार्ट में ऊपर। ये बताओ रिव्यू के लिए कितने दिन में अप्लाई कर देना चाहिए? हाँ तो रिव्यू यहां लिख देना विद इन 6 मंथ्स, अप्लाई विद इन 6 मंथ्स, अप्लाई विद इन 6 मंथ्स। ठीक है, अब वापस नीचे आ जाओ और जितना कोशिश करो टेक्स्ट के साथ चार्ट देखते जाना तो ही कंसेप्ट रिटेन रह पाएंगे। 6 months from the date of communication of order for determination of such points arising out of said decision order as the case may be specified by him. The AA can condone the delay of filing the appeal by 1 month if it is satisfied. Condonation of delay 1 month है। Form होगा APL 03, वो review के वहाँ जगह होगी तो form भी लिख सकते हो। कौन सा form है? Review के वहाँ पे review application APL 03। ये एप्लीकेशन आपका अपील ही माना जाएगा। ये एप्लीकेशन क्या माना जाएगा? अपील। एक बार फिर से कम ऑन कम ऑन कम ऑन, इधर ध्यान दो। ऑफिसर ने ऑर्डर दिया, दो लोग हैं, एक तो क्या होगा कि टैक्स पेयर जो है वो अपील में जाएगा, किसके पास जाएगा? अपीलेट अथॉरिटी, या फिर उसका कमिश्नर अपने ही ऑफिसर के ऑर्डर से सेटिस्फाई नहीं है और उसको लग रहा है कि ये लीगल या प्रोप्राइटी नहीं है, तो वो खुद नहीं चेंज करेगा, वो डायरेक्ट करेगा कि ये जो ऑफिसर की ऑर्डर चैलेंज करो कहां पे? अपीलेट अथॉरिटी में, वो अपील ही माना जाएगा। देयर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ मेकिंग प्री डिपॉजिट, लेकिन अगर ऑफिसर कमिश्नर अपने ही ऑफिसर का अपील फाइल कर रहा है तो वहां प्री डिपॉजिट देने की जरूरत नहीं है। इज इट क्लियर? वहां प्री डिपॉजिट देने की नहीं। ये चैप्टर मेरी डायग्राम्स बाजू में रख के ही पढ़ना तो वो फटाफट होते जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, एक्सप्लेन द प्रोसेस दैट शैल बी फॉलोड बाय अपीलेट अथॉरिटी। ओके, तो ये नॉट इंपॉर्टेंट, प्रायोरिटी सी में रख देना, इतनी इंपॉर्टेंट नहीं। पहले दो क्वेश्चन हाँ इंपॉर्टेंट थे पर पढ़ लेता हूं। AA has follow the principle of natural justice, underline, जब A जो है जब भी ऑर्डर देगा तो नेचुरल जस्टिस का प्रिंसिपल यूज करेगा। सच हियरिंग एंड अपीलेंट अलॉन्ग रीजनेबल एडजॉर्नमेंट नॉट मोर देन 3, परमिटिंग एडिशनल ग्राउंड्स एक्सेट्रा इफ फाउंड रीजनेबल। ऑर्डर ऑफ A, द AA कैन ऑल्सो मेक फर्दर इंक्वायरी एंड पास इट्स ऑर्डर विच मे बी कन्फर्म मॉडिफाई और एनल द डिसीजन ऑफ ओके अपील अगेंस्ट शैल नॉट रिफर केस बैक टू एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी दैट पास द सेड डिसीजन और ऑर्डर। AA can also increase the rigor of order appeal against by enhancing the fees. मतलब क्या? Appellate authority जो है वो यहाँ पे आपकी fees, penalty या fine ओके ये बढ़ा सकती है in lieu of confiscation और confiscating the goods greater the value or reducing the amount. मतलब rigorous order भी आ सकती है, यानी AA के पास power है कि वो लगाए हुआ penalty, fees या ओके कॉन्फिस्केशन फाइन वगैरह भी बढ़ा सकता है। ओके उसके बाद में बट कैन ओनली बी डन आफ्टर द AA हैज बीन ओके गिवन अपीलेंट अ रीजनेबल अपॉर्चुनिटी। नेक्स्ट, इफ द AA इज ऑफ ओपिनियन दैट एनी टैक्स हैज नॉट बीन पेड, शॉर्ट पेड और इरोनियसली रिफंडेड और वेयर ITC हैज बीन रॉन्गली अवेल्ड और यूटिलाइज्ड, नो ऑर्डर रिक्वायरिंग द अपीलेंट टू पे सच टैक्स। ठीक है, ITC शैल बी पे टैक्स और ITC, एक काम करना ये कंटिन्यूटी में यहां पे पे टैक्स और ITC शैल बी पास अनलेस अपीलेंट इज गिवन नोटिस टू शो कॉज अगेंस्ट द प्रपोज ऑर्डर एंड ऑर्डर इज पास विद इन द टाइम लिमिट स्पेसिफाइड 73 एंड 74। मतलब क्या? अगर अपीलेट अथॉरिटी दैट इज कमिश्नर अपील, अगर ये कोई शॉर्ट पेमेंट नॉट पेमेंट हुआ होगा या ITC रॉन्गली अवेल किया होगा और वो बढ़ाना होगा तो वो यहाँ पे पहले प्रायर नोटिस देगा और उसके बाद में ही वो अमाउंट बढ़ाएगा। उसके बाद में ऑर्डर इन अपील शैल बी ए स्पीकिंग ऑर्डर, मतलब क्लियर ग्राउंड्स होना
जरूरी है। ओके, लॉ प्रोवाइड दैट एडवाइजरी टाइम लिमिट 1 ईयर, उसकी ऑर्डर 1 साल में आ जानी चाहिए। ओके, फ्रॉम द डेट ऑफ फाइलिंग अपील, पर ये एडवाइजेबल है, बढ़ भी सकता है। द पीरियड ऑफ स्टे ऑर्डर फॉर एनी कोर्ट और ट्रिब्यूनल शैल बी एक्सक्लूडेड, अगर कोई कोर्ट ने स्टे दिया होगा तो वो पीरियड एक्सक्लूड किया जाएगा फॉर कैलकुलेशन ऑफ 1 ईयर। ऑन डिस्पोजल ऑफ अपील, AA शैल कम्युनिकेट द ऑर्डर पास बाय इट टू द अपीलेंट, रिस्पोंडेंट्स एंड एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी। अपील की ऑर्डर फिक्स होने के बाद वो अपीलेंट, रिस्पोंडेंट्स और एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को अपनी ऑर्डर की कॉपी भेजेगा। अ कॉपी ऑफ ऑर्डर पास बाय AA शैल ऑल्सो बी सेंड टू जुडिशियल कमिश्नर और अथॉरिटी डेजिग्नेटेड बाय हिम इन दिस बिहाफ एंड जुडिशियल एस जीएसटी यूटी जीएसटी कमिश्नर एक्सेट्रा। And every order passed by appellate authority shall be final and binding on the parties unless dispute is taken to higher appellate form. Okay, procedure आपको read करके पढ़ना हो, पढ़ो, नहीं पढ़ना है पढ़ो, पर read आपको एक बार करके छोड़ देना, not important. Appointment of appellate authority, appellate authority कौन रहेगा? तो देखो, ध्यान से देखना है यहाँ पे. State the authorities to be aggrieved person under CGST and GST Act may file an appeal. ये इसको ऐसा लिखो, हु शुड बी अपीलेट अथॉरिटी, अपीलेट अथॉरिटी, अपीलेट अथॉरिटी कौन होगी? देखो, एनी पर्सन एग्रीड बाय एनी डिसीजन और ऑर्डर पास अंडर दिस एक्ट और एसजीएसटी और यूटी जीएसटी एक्ट मे अपील टू कमिश्नर अपील्स वेयर द डिसीजन और ऑर्डर इज पास बाय एडिशनल और जॉइंट कमिश्नर एंड एनी ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ जॉइंट कमिश्नर अपील्स वेयर डिसीजन और ऑर्डर पास बाय डेप्यूटी और असिस्टेंट कमिश्नर। मतलब क्या, अगर ऑर्डर एडिशनल कमिश्नर की होगी या जॉइंट कमिश्नर की होगी, ओके, जॉइंट कमिश्नर की होगी तो आपका अपीलेट अथॉरिटी रहेगा कमिश्नर अपील्स, और अगर ऑर्डर ओके असिस्टेंट कमिश्नर या डेप्यूटी कमिश्नर और बिलो, तो फिर आपका अपीलेट अथॉरिटी होगा जॉइंट कमिश्नर ऑफ क्या, अपील्स, जॉइंट कमिश्नर ऑफ अपील्स। ओके, तो एक काम करो, वो बॉक्स में लिख दो, यहां अगर जगह होगी तो यहां लिख दो, अपीलेट अथॉरिटी कौन होगा इफ ऑर्डर बाय एडिशनल कमिश्नर, एडिशनल या जॉइंट कमिश्नर, तो कमिश्नर अपील रहेगा, और ऑफिसर बिलो रैंक, ऑफिसर बिलो रैंक ऑफ जॉइंट कमिश्नर, ऑर्डर अगर ऑफिसर बिलो द रैंक ऑफ जॉइंट कमिश्नर तो जॉइंट कमिश्नर अपील ये रहेगा अपीलेट अथॉरिटी। अगर ऑर्डर एडिशनल या जॉइंट कमिश्नर होगी तो आपकी अपीलेट अथॉरिटी कमिश्नर अपील रहेगा, अगर ऑर्डर बाय ऑफिसर बिलो द रैंक ऑफ जॉइंट कमिश्नर तो आपका अपीलेबल अथॉरिटी रहेगा जॉइंट कमिश्नर अपील्स। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट, देखो नाउ ऑफिसर डायरेक्टर अंडर सेक्शन 1072 टू अपील अगेंस्ट एनी डिसीजन और ऑर्डर। देखो, पहला क्लॉज पर्सन एग्रीड पर्सन अपीलेट अथॉरिटी के पास जा रहा है अपील के लिए,
और दूसरा क्लॉज ऑफिसर डायरेक्ट कर रहा है मतलब रिव्यू, ये जो है वो रिव्यू को अप्लीकेबल होता है कि भाई अगर रिव्यू के लिए भेजना है तो इसके लिए भी वही रहेगा कमिश्नर अपील या ज्वाइंट कमिश्नर ऑफ अपील्स, यही अपीलेबल ऑथोरिटी मानी जाएगी। मतलब दोनों के लिए सेम है एंड अब एग्रीड पर्सन, एक मिनट मैं अगर इसको आपको इससे समझा दूं, तो यहां पे एग्रीड पर्सन अगर अपील में जा रहा होगा तो अपीलेबल ऑथोरिटी यही रहेगी, या कमिश्नर रिव्यू के लिए भेज रहा होगा तो भी अपीलेबल ऑथोरिटी यही रहेगी। ठीक है, तो ये हमने देखा रिगार्डिंग टू एडिशनल। उसके बाद में नेक्स्ट चलो नेक्स्ट आ जा, रिविजन ऑर्डर बाय रिविजनल ऑथोरिटी। ओके अच्छा चार्ट देख के बताओ रिविजनल ऑथोरिटी रिविजन के लिए कब जाता है, चार्ट देख के बताओ, चार्ट के बिना ये चैप्टर पढ़ना ही नहीं, चार्ट देख के बताओ रिविजन के लिए कब जाता है, अगर उसके ऑफिसर की ऑर्डर क्या इरोनियस होगी, इलीगल होगी या फिर नॉट ओके ऑन मटेरियल फैक्ट्स होगी। अच्छा मुझे बताओ कमिश्नर रिव्यू के लिए कब भेजेगा, जब उसको डाउट है, वो कंफर्म नहीं है, उसको डाउट है कि भाई कि सभी फैक्ट्स कंसीडर नहीं हुए हैं, या इंटरप्रिटेशन शायद कमिश्नर का अलग है और उसके लोअर ऑथोरिटी ने इंटरप्रिटेशन अलग लिया है, ये समझ में आया ना, तो वो रिव्यू के लिए भेजेगा कि हु इज राइट, कि मेरा लोअर ऑफिसर राइट है या हम है, मुझे ऐसा लगता है कि एज पर लॉ ये नहीं है, पर जहां ये कंफर्म है कि ऑर्डर क्या बेटा इरोनियस है, इलीगल है, ये नॉट कंसीडरिंग मटेरियल फैक्ट्स है, तो ऐसे केस में देखो जीएसटी लॉ आल्सो प्रोवाइड द मैकेनिज्म ऑफ रिवीजन बाय रिविजनल ऑथोरिटी ओके ऑफ ऑर्डर्स पास बाय सबऑर्डिनेट ऑफिसर आरएमए रिविजनल ऑथोरिटी। अब ये रिविजनल ऑथोरिटी कौन रहेगा इसके नोटिफिकेशन आना बाकी है, पर वही रहेगा बेटा कमिश्नर या चीफ कमिश्नर का ग्रुप बनाएंगे ओके, एक स्टेट का रहेगा एक सेंट्रल का रहेगा रहे ना, और वो ऑथोरिटी सभी ऑफिसर की ऑर्डर्स रिव्यू करेगी। ख्याल रखना ऑफिसर के लिए भी अब इजी नहीं है कि बस आपकी बात मान लिया, टी लंच ब्रेकफास्ट हो गया और मां, ऐसा नहीं है, उनकी ऑर्डर कभी भी रिवीजन में लग सकती है, और रिवीजन में ऑर्डर लग गई ना तो ऑफिसर की तो बैंड बच जाएगी, ये समझ में आया ना, अगर ये पता चल जाए कि ये इम्प्रॉपर है, इलीगल है या नॉट एज पर लॉ है। ठीक है, तो ऑफिसर भी पहले भी था ऐसा रिवीजन, ऑफिसर भी डरते हैं कि नहीं वो सभी मटेरियल फैक्ट्स को, तो इतना इजी उनके लिए भी नहीं होता है कि टी कॉफी हो गया बस आपके हिसाब से ऑर्डर दे दिया, रिवीजन में कभी भी ऑर्डर लग सकती है। इज इट क्लियर, तो रिविजनल ऑथोरिटी अब ये कौन सी रहेगी, अभी तक नोटिफिकेशन नहीं आया है, तो अगर आपको लिखना है तो लिख देना हु शुड बी अ रिविजनल ऑथोरिटी, हु शुड बी आर ए, येट देर इज नो नोटिफिकेशन ऑन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ आर ए, लिखो वहां पे, येट देर इज नो नोटिफिकेशन, देर इज नो नोटिफिकेशन ऑन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ आर ए, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ आर ए आएगा फ्यूचर में कि आर ए में कौन किस तरह से बनाया जाएगा रिविजनल ऑथोरिटी, ऑन हिज ओन मोशन या इंफॉर्मेशन रिसीव्ड बाय हिम और रिक्वेस्ट ऑफ सीजीएसटी यूटीजीएसटी, कॉल एंड एग्जामिन द रिकॉर्ड्स ऑफ एनी प्रोसीडिंग, कोई भी रिकॉर्ड्स वो बुला सकते हैं ऑफिसर का कोई भी प्रोसीडिंग का, रिकॉर्ड शैल इंक्लूड्स ऑल रिकॉर्ड्स रिलेटिंग टू प्रोसीडिंग अंडर दिस सीजीएसटी एक्ट अवेलेबल एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन, ऑन एग्जामिनेशन रिकॉर्ड इफ आर ए इज व्यू दैट डिसीजन और ऑर्डर पास बाय सीजीएसटी एक्ट एसजीएसटी एक्ट या यूटीजीएसटी एक्ट बाय एनी ऑफिसर इज इरोनियस विच अफेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ रेवेन्यू या इलीगल और इम्प्रॉपर या हैज नॉट टेकन इनटू अकाउंट मटेरियल फैक्ट्स whether available at the time of issuance of said order or not, or in consequence of any observation by CNAG, he may, if necessary, stay the operation of such decision order for such period as he deem fit. मतलब उसको लगा कि ये तीन केसेस है तो वो, या फिर CNAG के जब ऑडिट हुए उससे पता चला कि कुछ ऑर्डर्स प्रॉपर नहीं, डिपार्टमेंट के पूरे CNAG के ऑडिट्स होते हैं,
हर ऑफिसर की ऑर्डर प्रॉपर गई कि नहीं गई, ये सीएनएजी चेक करता है, और सीएनएजी फिर आरए को रिकमेंड करेगा कि कुछ ऑर्डर पे हमें डाउट आ रहा है, वो ऑर्डर में कुछ तो गड़बड़ हुई है, ऑफिसर ने कुछ लिया है, आप रिवीजन में लो ऑर्डर को. इज इट क्लियर? तो ऑन रिकमेंडेशन ऑफ सीएनएजी वो ऑर्डर रिवीजन में ली जा सकती है. ओके और वो रिवीजन में ली जा सकती है, और जो ऑर्डर ऑलरेडी दे दी उसके ऊपर स्टे लाया जा सकता है. ठीक है? आरए आफ्टर गिविंग पर्सन कंसर्न अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड एंड आफ्टर मेकिंग सच फर्दर. मुझे याद है एक्साइज में, अभी तो जीएसटी के केसेस आने की बाकी, इसलिए ये थोड़ा चैप्टर ड्राई रहेगा, लेकिन एक्साइज में ऐसा था, मैन्युफैक्चर का था, और ऑफिसर ने ऑर्डर दे दिया था कि एक्टिविटी डज नॉट अमाउंट्स टू मैन्युफैक्चर, जबकि क्लियर फैक्ट्स है कि वो मैन्युफैक्चरिंग है, गुड्स ट्रांसफॉर्म हो रहा है. ठीक है? और उससे रिलेटेड दो सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन भी थे. ओके, तभी ऑफिसर ने दे दिया. अब क्या गड़बड़ हुई पता नहीं, मेरे क्लाइंट को ऑर्डर मिल गया, क्लाइंट बड़ा खुश था, चलो ऑर्डर लेके आ गया ऑफिसर के कि भाई वो अब मैन्युफैक्चर नहीं है, एग्री हो गया. फिर जैसे ही है, नेक्स्ट मंथ में रिवीजन में लग गया ऑर्डर ऑन डायरेक्शन ऑफ सीएनएजी, और पूरे रिकॉर्ड्स वापस बुलाया गया, और उस रिवीजन ऑथोरिटी इसमें वापस से एससीसी को दिया अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड. समझ में आया? तो लोअर ऑथोरिटी की ऑर्डर डिसीजन वो एडजुडिकेशन में ले सकता है, अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देगा, इंक्वायरी करेगा, ओके, उसके बाद में अपनी फाइनल ऑर्डर वो कैलकुलेट करेगा. एवरी रिवीजन ऑर्डर शैल बी सब्जेक्ट टू फर्दर अपील टू ट्रिब्यूनल, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट. लेकिन रिविजनल ऑथोरिटी ने जो भी ऑर्डर दी वो आगे, आप देखो हमारा चार्ट, आगे आप किसके पास जा सकते हैं? अपीलेट ट्रिब्यूनल, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो. हाँ, विच ऑर्डर, ये आ सकता है एग्जाम में सब्जेक्टिव क्वेश्चन, विच ऑर्डर और डिसीजन दैट रिविजनल ऑथोरिटी कैनॉट बी रिवाइज, द ऑर्डर हैज बीन सब्जेक्ट टू एन अपील बिफोर ए ट्रिब्यूनल, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट. अगर ऑलरेडी आपकी ऑर्डर यहां अपीलेट ऑथोरिटी या ट्रिब्यूनल या हाई कोर्ट के पास पेंडिंग है, तो फिर वो रिवीजन में नहीं लेगा. दूसरा, अ पीरियड ऑफ सिक्स मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ ऑर्डर हैज नॉट येट एक्सपायर्ड, और मोर देन थ्री इयर्स हैव एक्सपायर्ड आफ्टर इश्यूइंग द ऑर्डर. ये पॉइंट को समझना, मतलब क्या, जिस दिन भी लोअर ऑफिसर ने ऑर्डर दी वहां से 6 महीना वो रिविजन के लिए नहीं लेगा, वो ये कोशिश करेगा कि भाई कमिश्नर इसको रिव्यू के लिए उठा ले, या आगे अगर एसएससी को अपील फाइल करना है तो वो उसको पूरा टाइम दे रहा है, 6 महीने तक वो रिवीजन के लिए नहीं लेगा, और 3 साल के बाद रिवीजन के लिए नहीं लेगा. ये पॉइंट समझा क्या? यानी 6 महीने तक वो रिवीजन के लिए नहीं उठाएगा, यानी 6 महीना पूरी अपॉर्चुनिटी टैक्स पेयर को देगा अपील में जाना हो तो, या कमिश्नर को ऑर्डर रिव्यू में उठानी होगा. तो अगर 6 महीने में ना वो टैक्स पेयर ने अपील फाइल की ना उस कमिश्नर ने उसको रिव्यू में उठाया, तो फिर रिविजनल ऑथोरिटी उसको किस में उठाएगी? रिविजन में, 6 महीने बाद. लेकिन मैक्सिमम कितना? 3 इयर्स, यानी 6 महीने बाद और 3 साल के पहले. ओके, उसको आरए में उठाना पड़ेगा. नाउ ऑर्डर हैज ऑलरेडी बीन टेकन फॉर रिविजन एट अर्लियर स्टेज, अगर सेम ऑर्डर ऑलरेडी पहले रिवाइज होगी तो दूसरी बार रिवीजन नहीं होगा. एंड नेक्स्ट, ऑर्डर सॉट टू बी रिवाइज इज अ रिविजनल ऑर्डर इन फर्स्ट प्लेस. मतलब क्या? ओके, अगर जो ऑर्डर है वो खुद ही रिविजन ऑर्डर है, तो एक बार रिविजन ऑर्डर आ गई तो वो रिविजन ऑर्डर को फिर से रिवाइज नहीं किया जाएगा. ये चार केसेस है बेटा. आरए में पास एन ऑर्डर एट एनी पॉइंट विच हैज नॉट बीन रेज एंड डिसाइडेड इन अपील बिफोर ए ट्रिब्यूनल, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, बिफोर एक्सपायरी ऑफ पीरियड ऑफ 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ ऑर्डर इन विच सच अपील, और बिफोर एक्सपायरी ऑफ पीरियड ऑफ 3 इयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ इनिशियल ऑर्डर विच एवर इज लेटर. ओके, तो रिविजन का टाइम पीरियड जो है, अगर कोर्ट ने मैटर नहीं उसको कंसिडर किया, नॉट डिसाइडेड बाय कोर्ट, तो फिर 1 साल में फ्रॉम द डेट ऑफ ऑर्डर इन सच अपील, और 3 साल में फ्रॉम इनिशियल ऑर्डर. सर ये पॉइंट थोड़ा समझा दो ना. मतलब क्या होता है, बहुत सी बार कोर्ट जो है ना डिसीजन नहीं देता है, रिमांड बैक मतलब कि भाई आपने अपील फाइल की, ट्रिब्यूनल में अपील चली, फिर जब फैक्ट सामने आए तो उसमें
बहुत से क्लियर फैक्ट्स नहीं थे तो केस वो करते हैं, रिमांड बैक, वापस ऑफिसर के पास भेज देते हैं कि फिर से चेक करो। अब अगर केस रिमांड बैक हो गई और इसमें कोर्ट ने कोई डिसीजन नहीं दिया तो फिर वो रिवीजन के लिए आ सकती है, और वो 1 साल में रिवीजन के लिए ओपन हो सकती है। और ओरिजिनल ऑर्डर जो एडजुडिकेटिंग ऑथोरिटी के ऑर्डर है वो कितने बेटा, 3 साल में रिवीजन में ओपन हो सकती है। हाउ टू कॉम्प्यूट 3 ईयर्स वगैरह, तो ये ठीक है, ये आपने पढ़ लेना, 3 साल कैसे कॉम्प्यूट किया जाएगा। नाउ नोटिस टू अ पर्सन एंड ऑर्डर ऑफ रिविजनल ऑथोरिटी इन केस ऑफ रिविजन, देखो एक्सप्लेन द प्रोविजन ऑफ नोटिस टू अ पर्सन एंड ऑर्डर ऑफ रिविजनल ऑथोरिटी इन केस ऑफ रिविजन। तो नोटिस उसको रिविजन की, रिविजनल ऑथोरिटी की नोटिस उसको RVN 01 में जाएगी और ऑर्डर आएगा APL 04। ठीक है, नॉट सो इम्पोर्टेंट, इसको भी प्रायोरिटी सी में रखो। ओके चलो, यहाँ पे अब हम आ जाते हैं ट्रिब्यूनल। एक बार फिर से मुझे बताओ, ट्रिब्यूनल के पास कौन सी ऑर्डर अपील में आएगी? अब चार्ट देख के बताओ, वैसे नहीं बताओ, चार्ट देख के बताओ, ट्रिब्यूनल के पास कौन सी ऑर्डर, अपीलेट ट्रिब्यूनल के पास? एक तो अपीलेट ऑथोरिटी की ऑर्डर होगी या रिविजनल ऑथोरिटी की ऑर्डर होगी, ये देख रहे हो, अपीलेट ऑथोरिटी या रिविजनल ऑथोरिटी, ये समझ में आया क्या? ये दो ऑर्डर जो है उसके उसके पास अपील के लिए आएगी। ओके, व्हाट इज द कॉन्स्टिट्यूट ऑफ नेशनल अपील ट्रिब्यूनल, हाउ द सेम इज टू बी कॉन्स्टिट्यूटेड। अब देखो, नेशनल बेंच रीजनल बेंच शैल बी लोकेटेड, पहले मैं पढ़ लेता हूँ फिर डायग्राम में फटाफट आपको ड्रॉ करके देता हूँ। स्टेट द प्लेस वेयर नेशनल बेंच एंड रीजनल प्लेस रीजनल बेंच शैल बी लोकेटेड। नेशनल बेंच शैल बी लोकेटेड न्यू दिल्ली। द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन रिकमेंडेशन ऑफ काउंसिल बाय नोटिफिकेशन कॉन्स्टिट्यूट सच नंबर ऑफ रीजनल बेंचेस एज मे बी रिक्वायर्ड। एक मिनट, दिल्ली में नेशनल बेंच रहेगा ऑफ ट्रिब्यूनल का, और फिर रीजन वाइज, वेस्टर्न रीजन, साउथर्न रीजन, ईस्टर्न रीजन, अरे है ना, रीजन वाइज क्या रहेगा बेटा, रीजनल बेंच। ओके, अभी तक फॉर्म नहीं हुए रीजनल बेंचेस, लेकिन ऑन रिकमेंडेशन ऑफ GST काउंसिल रीजनल बेंच। तो ये रीजन में आने वाले सभी स्टेट, जैसे साउथ में आने वाले सभी स्टेट, वेस्ट वेस्टर्न रीजन में आने वाले सभी स्टेट, नॉर्थन रीजन में आने वाले, और ये सब के ऊपर रहेगा क्या, नेशनल बेंच एट न्यू दिल्ली। ठीक है, तो ये ट्रिब्यूनल का बेंच रहेगा। उसके बाद में व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ नेशनल बेंच एंड रीजनल बेंच, देखो नेशनल बेंच शल हेडेड बाय नेशनल प्रेसिडेंट, अंडरलाइन, ये इंडियन प्रेसिडेंट नहीं है, नेशनल प्रेसिडेंट। नेशनल प्रेसिडेंट मतलब एक पर्सन अपॉइंट किया जाएगा जो नेशनल बेंच का प्रेसिडेंट रहेगा। ओके, अलोंग विथ वन टेक्निकल मेंबर ऑफ सेंटर एंड टेक्निकल मेंबर ऑफ स्टेट। रीजनल बेंच शल कॉन्स्टिट्यूट ऑफ जुडिशियल मेंबर, ओके, वन टेक्निकल मेंबर एंड वन टेक्निकल मेंबर ऑफ स्टेट। उसके बाद में व्हाट इज द ज्यूरिडिक्शन ऑफ नेशनल एंड रीजनल बेंच, इनके पास कौन सी केस जाएगी, इनके पास वही केस जाएगी जहां वन ऑफ द इशू क्या रहेगा, अंडरलाइन, वन ऑफ द इशू प्लेस ऑफ सप्लाई रहेगा। उसके बाद में स्टेट बेंच एंड एरिया बेंच। अब देखो, ट्रिब्यूनल का स्टेट बेंच भी रहेगा पूरे महाराष्ट्र का, और महाराष्ट्र में एरिया वाइज पुणे, नागपुर, नाशिक, ये एरिया बेंच भी रहेगा। मतलब देखो, ट्रिब्यूनल के बेंच कैसे एरिया वाइज भी रह सकते हैं, फिर एरिया के ऊपर कौन सा स्टेट, और रीजन रीजन और नेशनल में सिर्फ POS का केस जाएगा या वन ऑफ द पॉइंट क्या, POS, बाकी सब केसेस जो है कि वो किसके पास आएगी, स्टेट या एरिया के पास आएगी। ठीक है, व्हाट इज द स्टेट बेंच और एरिया बेंच, द गवर्नमेंट बाय नोटिफिकेशन स्पेसिफाई ईच स्टेट और यूनियन टेरिटरी अ बेंच ऑफ अपीलेट ट्रिब्यूनल। ओके, एक्सरसाइजिंग द पावर ऑफ अपीलेट ट्रिब्यूनल विद इन द कंसर्न स्टेट और यूनियन टेरिटरी, द गवर्नमेंट शैल ऑन रिसिप्ट ऑफ रिक्वेस्ट फ्रॉम स्टेट गवर्नमेंट, हाँ ये रिक्वेस्ट स्टेट गवर्नमेंट से आएगी, ओके, कॉन्स्टिट्यूट द नंबर और एरिया बेंच इन दैट स्टेट। एरिया बेंच की रिक्वेस्ट स्टेट गवर्नमेंट से आई, और जो जो एरिया में करना है, जैसे अभी महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट की समझ लो रिक्वेस्ट जा रही है कि हमको एरिया बेंच पुणे में चाहिए, मुंबई में चाहिए, और मुंबई में दो एरिया बेंच चाहिए,
पुणे में चाहिए, नासिक में चाहिए, नागपुर में चाहिए, जो जो एरिया में बेंचेस चाहिए उनकी स्टेट गवर्नमेंट की रिक्वेस्ट जाएगी और स्टेट गवर्नमेंट की रिक्वेस्ट के बेस पे क्या फॉर्म किए जाएंगे, एरिया बेंच। ठीक है, व्हाट इज द ज्यूरिडिक्शन ऑफ स्टेट बेंच एंड एरिया बेंच? स्टेट बेंच और एरिया बेंच शैल हैव ज्यूरिडिक्शन टू हियर द अपील अगेंस्ट द ऑर्डर पास बाय अपीलेट अथॉरिटी और रिविजनल अथॉरिटी इन अ केसेस इन्वॉल्विंग मैटर अदर देन दोज डिस्प्यूट रिलेटिंग टू क्या, प्लेस ऑफ सप्लाई। प्लेस ऑफ सप्लाई छोड़ के बाकी कोई भी मैटर होगा तो इनके पास जाएगा। व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ स्टेट बेंच एंड एरिया बेंच? ओके, ईच स्टेट बेंच और एरिया बेंच शैल कंसिस्ट ऑफ ज्यूडिशियल मेंबर और टेक्निकल मेंबर, वन टेक्निकल मेंबर ऑफ स्टेट एंड स्टेट गवर्नमेंट मे डेजिग्नेटेड द सीनियर मोस्ट ज्यूडिशियल मेंबर इन द स्टेट एज अ स्टेट प्रेसिडेंट। ठीक है, तो ये था सेक्शन 110, कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। प्रेसिडेंट मेंबर ये लोग कौन हो गए, क्या क्वालिफिकेशन हो गए, उससे हमारा कोई कंसर्न नहीं है। ठीक है, चलो नेक्स्ट पेज पे ड्रॉ कर लो किस तरह से रहेगा। देखो देखो, अपीलेट ट्रिब्यूनल उसमें दो पार्ट करना, सेंटर और स्टेट। सेंटर और स्टेट, सेंटर लेवल पे दो रहेंगे, एक नेशनल बेंच रहेगा और एक रीजनल बेंच रहेगा। नो डाउट नेशनल बेंच इज हायर देन रीजनल बेंच। ठीक है, नेशनल बेंच का एक प्रेसिडेंट रहेगा, नेशनल प्रेसिडेंट, और इसके अंडर में दो लोग रहेंगे। टीएम मतलब नीचे लिख देना टेक्निकल मेंबर, टेक्निकल मेंबर ऑफ सेंटर और टेक्निकल मेंबर ऑफ स्टेट, टेक्निकल मेंबर ऑफ स्टेट। रीजनल बेंच में तीन लोग रहेंगे, एक जीएम रहेगा जुडिशियल मेंबर, टीएम रहेगा और टीएम रहेगा, एक सेंटर और एक स्टेट। जेम मतलब जुडिशियल मेंबर, और टीएम मतलब टेक्निकल मेंबर। टेक्निकल मेंबर, ठीक है, टेक्निकल मेंबर। स्टेट में यहां पे भी दो रहेंगे, एक स्टेट बेंच रहेगा और एक एरिया बेंच रहेगा। इसका स्टेट प्रेसिडेंट रहेगा और दो टीएम हो गए, एक सेंटर का रहेगा एक स्टेट का रहेगा। और एरिया बेंच में तीन लोग रहेंगे, जेएम टीएम एंड क्या बेटा, टीएम, सेंटर और स्टेट, सेंटर और स्टेट। इस तरह से अपीलेट ट्रिब्यूनल का पूरा बेंच रहेगा। ठीक है, चल ये था, मुझे नहीं लगता पूछेंगे इसके ऊपर, लेकिन चार्ट बना के दो सेकंड में देख लेना। ठीक है,
उसके बाद में whether any matter could be heard by bench consisting of member less than three as set out above. अगर आपने ऊपर देखा होगा तो कोई भी ले लो, तीन मेंबर तो रहेंगे. ये बताओ नेशनल मैच में कौन से तीन मेंबर रहेंगे, कौन से तीन मेंबर रहेंगे? नेशनल प्रेसिडेंट, टेक्निकल मेंबर ऑफ सेंटर एंड टेक्निकल मेंबर ऑफ स्टेट. कोई भी ले लो, तीन मेंबर रहेंगे. पर ये पूछा क्वेश्चन ये है कि क्या ऐसा हो सकता है कि कभी तीनों मेंबर अवेलेबल नहीं है तो दो मेंबर या एक मेंबर भी केस का हियरिंग ले सकता है या डिसाइड कर सकता है? यस. इन द अब्सेंस ऑफ मेंबर इन एनी बेंच ड्यू टू वैकेंसी और अदरवाइज एनी अपील में विद अप्रूवल ऑफ प्रेसिडेंट और एज द केस में बी स्टेट प्रेसिडेंट बी हर्ड बाय बेंच ऑफ क्या, टू मेंबर्स. ओके. फर्दर वेयर द टैक्स और इनपुट टैक्स क्रेडिट इन्वॉल्व और डिफरेंस इन टैक्स और इनपुट टैक्स क्रेडिट इन्वॉल्व or the amount of fine, fees, penalty determined in any appeal against does not exceed kya? 5 lakhs and which does not involve any question of law may with the approval of president and subject to condition as may prescribe on the recommendation of council be heard by bench consisting of kya beta? Single member. Matlab, agar amount 5 lakhs se kam hai aur koi question of law involved nahi hai, to ek banda bhi wo bench मतलब सिंगल मेंबर बेंच भी उसको एंटरटेन कर सकता है. वेदर अपीलेट ट्रिब्यूनल इज बाउंड बाय प्रोसीजर ऑफ कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर, नो. ओके. अपीलेट ट्रिब्यूनल शैल नॉट व्हाइल डिस्पोजिंग द प्रोसीडिंग बिफोर इट और अपीलेट बिफोर इट इज बाउंड बाय प्रोसीजर लेड डाउन इन कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 बट ओके शैल बी गाइडेड बाय प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस एंड सब्जेक्ट टू अदर प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट एंड रूल्स मेड थेरअंडर. ठीक है. उसके बाद में वेदर अपीलेट ट्रिब्यूनल हैज द सेम पावर दैट एट सिविल कोर्ट, या आपने पढ़ लेना, हाँ अंडरलाइन कर दो. सिविल कोर्ट जैसी पावर है, मतलब किसी को भी एग्जामिन कर सकता है ऑन ओथ. ओके. डॉक्यूमेंट्स बुला सकता है, एफिडेविट्स ले सकता है. ओके. एविडेंस के लिए पब्लिक रिकॉर्ड भी यूज कर सकता है. ओके. विटनेस को एग्जामिन कर सकता है. ओके. एक्सपार्टी रिप्रेजेंटेशन ले सकता है. सेटिंग अटसाइड द डिसमिसल ऑफ एनी रिप्रेजेंटेशन फॉर डिफॉल्ट एनी ऑर्डर पास बाय एक्सपार्टी इट एक्सपार्टी एंड लास्ट एनी अदर मैटर नॉट इम्पॉर्टेंट सी क्लॉज में रखना, जस्ट एक रेफरेंस के लिए मैंने लिया यहाँ पे. उसके बाद में नेक्स्ट, वेदर द ऑर्डर ऑफ अपीलेट ट्रिब्यूनल आर एनफोर्सेबल एंड इफ यस हाउ. तो देखो, any order made by appellate tribunal may be enforced by it in the same manner as if were decree made by court in a suit pending therein. khyal rahe, even though tribunal by constitution of india nahi bante hai, ye civil court nahi hote hai, ye tribunal by act ye bench banaya gaya hai, par inke order usi tarah se binding rahege jaise ek court ke order binding rehte hai. ये कोर्ट बाय कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बना है, ये ट्रिब्यूनल बाय एक्ट बना है, पर इनकी डिक्री या ऑर्डर उसी तरह से बाइंडिंग रहेंगे जैसे कोर्ट के रहते हैं. एंड इट शैल बी लॉफुल फॉर अपीलेट ट्रिब्यूनल टू सेंड द एग्जीक्यूशन ऑफ ऑर्डर इन कोर्ट विद इन द लोकल लिमिट ऑफ हुज ज्यूरिडिक्शन इन केस ऑफ ऑर्डर अगेंस्ट कंपनी रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी सिचुएटेड. अगर किसी कंपनी के अगेंस्ट में ऑर्डर आएगी तो रजिस्टर्ड ऑफिस को यह ऑर्डर भेजा जाएगा और ओके कोर्ट जैसा ही ये ऑर्डर बाइंडिंग रहेगा. सेकंड, इन केस ऑफ ऑर्डर अगेंस्ट एनी अदर पर्सन, पर्सन कंसर्न वॉलंटरली रिसाइड और कैरीज द बिजनेस और पर्सनली वर्क फॉर गेन. मतलब अगर कंपनी नहीं होगी तो फिर उसका जो ज्यूरिडिक्शनल कोर्ट है, सिविल कोर्ट है, उसके पास ट्रिब्यूनल की ऑर्डर भेजी जाएगी. ओके. तो ट्रिब्यूनल की ऑर्डर उसी तरह से मानी जाएगी जैसे कोर्ट की ऑर्डर होती है. नाउ ये भी सी में रखना, नॉट सो इंपॉर्टेंट. Whether the proceeding before okay appellate tribunal shall be deemed to be judicial, yes, वो judicial proceeding ही मानी जाएगी. What are the order against which appeal could be preferred before tribunal? ये start करना. कौन सी order? एक बार फिर से बताओ, tribunal के पास किसकी order जाती है appeal के लिए? Chart देख के बताओ, tribunal के पास फिर से बताओ. Appellate authority और review और revision authority. यहाँ एक काम करना, revision authority. रिविजन अथॉरिटी लिख लेना. ओके.
could be prefer appeal before appellate tribunal in form APL 05. Chart mein likh do. Chart mein APL 05. हमने जो चार्ट बनाया था यहां लिखना होगा तो अपील जब फाइल होगी तो फॉर्म होगा एपीएल 05 फॉर्म होगा एपीएल 05 ठीक है. व्हाट इज द टाइम लिमिट प्रिस्क्राइब फॉर फाइलिंग द अपील बिफोर अपीलेट ट्रिब्यूनल. ऊपर चार्ट में लिख दो टाइम लिमिट. जहां आपने अभी फॉर्म लिखा ना वहां टाइम लिमिट ऑफ अपील 3 मंथ्स, कॉन्डोनेशन फर्दर 3 मंथ्स. टाइम लिमिट 3 मंथ्स, कॉन्डोनेशन फर्दर 3 मंथ्स. क्वेश्चन नंबर 25 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टार करना. अपीलेट ट्रिब्यूनल हैज अ डिस्क्रिशन टू रिफ्यूज टू एडमिट एनी अपील एग्जामिनिंग द करेक्टनेस ऑफ अवर स्टेटमेंट. क्या अपीलेट ट्रिब्यूनल खुद के डिस्क्रिशन पे कुछ केसेस को रिजेक्ट कर सकता है? वे नहीं लेनी है मुझे ये केस. अपीलेट ट्रिब्यूनल मे बी नेशनल बेंच या रीजनल बेंच या स्टेट बेंच और एरिया बेंच. मतलब वो कहेगा कि जो कमिश्नर अपील ने दे दिया दैट ऑर्डर इज फाइनल, आई विल नॉट एंटरटेन दिस केस. ओके, ये आ सकता है एग्जाम में. मैं ये क्यों बोल रहा हूं क्योंकि एक्साइज के फेवरेट क्वेश्चंस थे अपील के एक्साइज लॉ में. ठीक है, तो जीएसटी में भी आ सकता है. तो हाँ देखो, द स्टेटमेंट इज पार्शियली करेक्ट. दो द अपीलेट ट्रिब्यूनल डज नॉट हैव पावर टू रिफ्यूज द एडमिट एन अपील, इट कैन नॉट रिफ्यूज टू एडमिट एनी अपील. It can refuse the admit and appeal where? No, 1 minute. Though appellate tribunal does have a power to refuse to admit an appeal, it cannot refuse to admit any appeal. It can refuse to admit appeal where? मतलब वो ऐसा लिखा है उन्होंने. ओके, ये मैंने मटेरियल से लिया है कि इवन दो अपीलेट ट्रिब्यूनल के पास पावर है कि वो रिफ्यूज कर सकता है, पर उसने रिफ्यूज नहीं करना चाहिए. पर हाँ, कौन कौन से केसेस में वो रिफ्यूज कर सकता है देखो, आ सकता है टैक्स और इनपुट टैक्स क्रेडिट इन्वॉल्व और डिफरेंस इन टैक्स और डिफरेंस इन इनपुट टैक्स क्रेडिट इन्वॉल्व और अमाउंट ऑफ फाइन फीस और पेनल्टी डिटरमाइंड बाय सच ऑर्डर डज नॉट एक्सीड कितना बेटा 50,000. Does not exceed में and आपका tax या ITC या differential tax और ITC या case fine penalty होगा तो amount 50,000 से ज्यादा नहीं है. case छोटी है, वो कहेगा जो commissioner appeal बोलता है वो final करो यार, amount बहुत छोटा है. okay, हाँ, पर उसको लगता है कि नहीं यार amount छोटा है पर लेना चाहिए discussion के लिए क्योंकि question of law है, तो वो entertain कर सकता है. depends on facts of the case whether other party could file cross objection against the appeal. ओके, अब मुझे बताओ, समझ लो यहां पे सुमित अपीलेट ट्रिब्यूनल के पास आया और इधर यहां डिपार्टमेंट के भी आप पे प्रणव. तो ठीक है, प्रणव ऑफिसर है. सुमित ने अपील फाइल कर दी कि भाई मैं ये पॉइंट्स पे रेडी नहीं हूं टू अपीलेट क्या ट्रिब्यूनल. पर अब अदर पार्टी जो है उसको देना पड़ता है क्रॉस ऑब्जेक्शन कि भाई कोर्ट पूछेगी, ट्रिब्यूनल पूछेगा तेरे क्रॉस ऑब्जेक्शन क्या है. यू कैन पुट योर क्रॉस ऑब्जेक्शन. तो अब वो अपने क्रॉस ऑब्जेक्शन पुट करेगा और उसका फॉर्म होगा एपीएल 06. तो अदर पार्टी, जो भी अदर पार्टी, या फिर डिपार्टमेंट ने अपील फाइल की तो अदर पार्टी कौन सी है, टैक्स पेयर. तो वो अपने क्रॉस ऑब्जेक्शन रखेगा. तो एपीएल 05 और 45 डेज में ये क्रॉस ऑब्जेक्शन फाइल हो जानी चाहिए जिसको फर्दर कॉन्डनेशन 45 डेज का मिल सकता है. ठीक है, whether fees shall have to be paid for filing appeal or application. Yes, fees. Okay, 1,000 for every 1 lakh
अब टैक्स और आईटीसी, मतलब टैक्स अमाउंट, हर 1 लाख के टैक्स अमाउंट पे कितनी फीस रहेगी? 1,000। अगर आपकी टैक्स अमाउंट, ये बताओ, या पार्ट देयर ऑफ, अगर आपकी टैक्स अमाउंट जो है वो 10 लाख होगी तो 10,000, या 10.5 लाख होगी तो 11,000, मतलब 10,50,000 होगा तो 11,000। पर मैक्सिमम वो 25,000 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। और मैंडेटरी प्री डिपॉजिट्स, हाँ, उसमें अपीलेट ट्रिब्यूनल के पास जाओगे तो भी आपको प्री डिपॉजिट्स देना पड़ेगा। यहाँ पे भी लिख दो बेटा, मैंडेटरी प्री डिपॉजिट है हमारे चार्ट में। ये चार्ट में लिख देना, यहाँ पे भी प्री डिपॉजिट्स है, मतलब जब तक आप डिपॉजिट्स नहीं देते हो अपील आपकी एंटरटेन नहीं होगी। ओके, अपीलेट ट्रिब्यूनल में जाओगे तो आपको यहाँ प्री डिपॉजिट्स मैंडेटरी देने पड़ेंगे। नेक्स्ट, व्हाट आर द ऑर्डर दैट कुड बी पास बाय अपीलेट ट्रिब्यूनल? ओके, ये भी प्रायोरिटी सी में रखना। पर यहाँ पास सच ऑर्डर एज ही डीम फिट, अपीलेट ट्रिब्यूनल में भी ऑर्डर कंफर्म कर देगा जो उसके अपीलेट अथॉरिटी ने दिया है, मॉडिफाई करेगा या एनल कर देगा, या वापस केस रेफर कर सकता है टू ए ए एंड। ओके, यहां एक इंपॉर्टेंट नोट लिखो, एक इंपॉर्टेंट नोट लिखो, लिखो, अपीलेट अथॉरिटी, अपीलेट अथॉरिटी, अपीलेट अथॉरिटी मतलब कौन सा? ब्रैकेट में कमिश्नर अपील्स, अपीलेट अथॉरिटी ब्रैकेट में कमिश्नर अपील्स, ब्रैकेट कंप्लीट, कैन नॉट रेफर बैक द केस, कैन नॉट रेफर बैक द केस। टू ऑफिसर फॉर फ्रेश एडजुडिकेशन, फॉर फ्रेश एडजुडिकेशन, बट अपीलेट ट्रिब्यूनल, बट अपीलेट ट्रिब्यूनल कैन रेफर बैक द केस टू ए ए और आर ए। यहां ए ए मतलब कौन बेटा? हाँ, अपीलेट अथॉरिटी कैन रेफर बैक द केस टू ए ए और आर ए फॉर फ्रेश एडजुडिकेशन। फॉर फ्रेश एडजुडिकेशन, ये जो भी डिसीजन दिया जाएगा ऑन प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस पे दिया जाएगा और विद इन 1 ईयर उसको कंप्लीट किया जाएगा। ओके, तो आपको ये अगर 1 ईयर भी चार्ट में एडजस्ट करना है तो आप एडजस्ट कर सकते हो। ओके, मतलब बताओ ऑर्डर कितने दिन में आ जाना चाहिए? 1 ईयर। तो वहां चार्ट में नोट लिख सकते हो, ऑर्डर बाय अपीलेट ट्रिब्यूनल विद इन क्या? 1 ईयर, विद इन 1 ईयर। वेदर ट्रिब्यूनल हैज पावर टू रेक्टिफाई और अमेंड द ऑर्डर पास बाय इट। अब ध्यान से सुनना, मेरे ये केस में हुआ था, 2009 की बात है। ट्रिब्यूनल के ऑर्डर में एक मिस्टेक हो गई थी, और वो कैसे मिस्टेक हुई थी देखो, हर पैराग्राफ में लिखा जा रहा है, शायद मैंने बताई भी होगी आपको, हर पैराग्राफ में लिखा जा रहा है नॉट अमाउंट्स टू मैन्युफैक्चर, नॉट अमाउंट्स टू मैन्युफैक्चर एंड नॉट अमाउंट्स टू मैन्युफैक्चर। और लास्ट मैंने बताया था कि सर को लास्ट कंक्लूडिंग पैराग्राफ में दे दिया था, नॉट भूल गया था, और वो नॉट भूलने की वजह से क्या, अमाउंट्स टू मैन्युफैक्चर। तो ऑर्डर तो आ गई, अब वापस हम ट्रिब्यूनल के पास गए क्योंकि वो कंफ्यूजन क्रिएट कर रही थी ऑर्डर, क्योंकि लास्ट कंक्लूडिंग पैराग्राफ,
तो हम ट्रिब्यूनल के पास गए थे और हमने ये अप्लाई किया, रिव्यू और अमेंड द ऑर्डर। आप ट्रिब्यूनल अपने ही ऑर्डर को अमेंड करें और लास्ट कंक्लूडिंग पैराग्राफ में नॉट ऐड करके दे। पहला सवाल, क्या ट्रिब्यूनल अपना ही ऑर्डर रेक्टिफाई कर सकता है? हाँ, पर रेक्टिफाई सिर्फ वही कर सकता है जो मिस्टेक अपेरेंट फ्रॉम रिकॉर्ड्स है, मतलब अपने डिसीजन नहीं बदल सकता। डिग्निटी ऑफ ट्रिब्यूनल, एक बार जो दे दिया सो दे दिया, अगर आप अग्री नहीं हो तो किसके पास जाओ? हाई कोर्ट के पास। पर एक बार जो डिसीजन दे दिया वो दे दिया। हाँ, वो अपनी ऑर्डर उसी एक्सटेंड तक रेक्टिफाई या अमेंड कर सकता है जहां मिस्टेक अपेरेंट फ्रॉम रिकॉर्ड्स है। एक मिस्टेक और हुई थी, मुझे याद है, 81 जैसा 18% इंटरेस्ट था ना, तो गलती से टाइप हो गया था 81%, गलती से टाइप हो गया था 81%, तो वो रेक्टिफाई। ऐसे टाइपोलॉजिकल मिस्टेक होती है, टैक्स अमाउंट था 3 लाख, 10 बढ़ गया, उसके वजह से 3 करोड़ हो गया था। वो तो मैं बताता हूँ, वो क्लाइंट तो ऐसा टेंशन में आ गया था क्योंकि ऑर्डर फिर वापस वो मिस्टेक अपेरेंट फ्रॉम रिकॉर्ड्स। ओके, तो इन शॉर्ट यस, ट्रिब्यूनल अपना ऑर्डर रेक्टिफाई कर सकता है। ओके, तो वो भी ओनली फॉर मिस्टेक अपेरेंट मिस्टेक पर ही कर सकता है। ठीक है, ट्रिब्यूनल में अमेंड एनी ऑर्डर पास सो एज टू रेक्टिफाई एनी एरर अंडरलाइन अपेरेंट ऑन फेस ऑफ द रिकॉर्ड। If such error is noticed in the order by its own accord or brought to the notice by commissioner, SGST, UTGST commissioner or other party to appeal within a period of kya beta? 3 months from the date of order. No amendment which has effect of enhancing or assessment or reducing the refund of ITC or otherwise increasing the liability of other party shall be made unless party has been given opportunity of being heard. ये पहले तो आपके नहीं बताता हूँ आपको। समझ लो, ऑर्डर देते वक्त 3 लाख का ड्यूटी मांगना था, गलती से 30,000 टाइप हो गया, ऑर्डर आ गई 30,000 के, आप बड़े खुश, ओके गलती हो गई, यस मजा आ गया, ओके जो 3 लाख देना था वहां 30,000 गलती होगी, मजा आ गया, आप खुश। लेकिन कमिश्नर ने इंटीमेट किया ट्रिब्यूनल को, तो नोटिस में लाया ट्रिब्यूनल के, ट्रिब्यूनल ने वापस केस रेक्टिफिकेशन के लिए लिया। क्यों? क्योंकि मिस्टेक अपेरेंट फ्रॉम रिकॉर्ड थी, रेक्टिफिकेशन के लिए लिया, इसके वजह से लायबिलिटी बढ़ गई थी। लायबिलिटी जो ऑर्डर में दी गई थी कितना? 30, एक्चुअल 3 लाख थी, एक्चुअल कितनी थी बेटा? 3 लाख, पर गलती से 30,000, अब 30,000 का वापस कितना करना है? 3 लाख, लायबिलिटी बढ़ रही है। तो अगर लायबिलिटी बढ़ रही है तो एक अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग दिया जाएगा। मैंडेटरी प्री डिपॉजिट, ये आपके अटेम्प्ट के लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट, चाहे जान जाए पर ये क्वेश्चन ना जाए। ओके, मैंडेटरी प्री डिपॉजिट, आपको याद है मैंने 2 जगह प्री डिपॉजिट लिखवा के दिए चार्ट में, मतलब जब तक आप डिपॉजिट्स नहीं देते हो आपकी अपील एंटरटेन्ड नहीं की जाएगी, आपको प्री डिपॉजिट्स देने ही पड़ेंगे। एक्सप्लेन द रिलेवेंस ऑफ मैंडेटरी डिपॉजिट एज रिक्वायर्ड बिफोर फाइलिंग एन अपील। क्या क्यों चाहिए डिपॉजिट? सिंपल एक लॉजिक में कहो, क्या किसी ने अननेसेसरी केसेस स्ट्रेच नहीं करने चाहिए अपील में डाल के, ठीक है, पर एग्जाम में ऐसा मत लिखना। ओके, वो एग्जामिनर वहां खड़ा रहे, इधर आ, किसी ने अननेसेसरी केसेस स्ट्रेच नहीं करनी चाहिए, ऐसा एग्जाम में मत लिखना। क्या रिलेवेंस है देखो, राइट टू अपील इज अ स्टैट्यूटरी राइट विच ऑपरेट विद इन द लिमिटेशन प्लेस ऑन इट बाय लॉ। वन सच लिमिटेशन फ्लोज फ्रॉम प्रिंसिपल दैट एन अपीलेंट मस्ट फर्स्ट डिपॉजिट द एडजस्ट ड्यूज बिफोर हिज फर्दर अपील कैन बी हर्ड। मतलब अपने ड्यूज, आपकी अपील लेना है तो आपने ड्यूज जो है डिपॉजिट करने चाहिए। हाउएवर ऑफन अपीलेंट मे सक्सीड इन हिज अपील एंड हेंस इट वुड टू अनफेयर टू सेटल हिम इन अ फाइनेंशियल बर्डन। टू बैलेंस दिस फैक्टर टैक्स लॉज मैंडेट सम प्री डिपॉजिट सो एज टू डिस्करेज फ्रिवलस अपील, अंडरलाइन फ्रिवलस अपील, और ऑल्सो सेफगार्ड एंड बोनाफाइड द इंटरेस्ट ऑफ बोथ टैक्स पेयर एंड द रेवेन्यू। Section 1076 provides that no appeal shall be filed before A unless appellant has kya paid free deposit. मैं आपको मेरा एक्सरसाइज का एक्सपीरियंस बताता हूँ।
ओके okay. तो अभी तो बेटा ये चैप्टर वैसे अगर पढ़ाने जाओ ना तो 3 लेक्चर भी कम पड़ते हैं, क्योंकि इसकी एक एक लाइन पूरा एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर कर सकता हूँ अपील का, और कैसे हम जो बेंच के साथ, क्योंकि मैं ट्रिब्यूनल तक लड़ा हूँ, उसके बाद तो अपीलेट ट्रिब्यूनल के बाद आप नहीं लड़ सकते एज अ सीए, क्योंकि हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में जाना है तो यू मस्ट हैव डिग्री ऑफ लॉ, डिग्री ऑफ लॉ. लेकिन मैं ये चैप्टर ठीक है अभी 2 2.5 घंटे में खत्म कर रहा हूँ, क्योंकि एग्जाम के हिसाब से जितना जरूरी है उतना ही मैं पढ़ा रहा हूँ, इससे ज्यादा आपको स्ट्रेच नहीं कर रहा. लेकिन मैं सच में बोलूँ, अगर ये चैप्टर पढ़ाने जाओ ना तो इतना इंटरेस्टिंग बन सकता है, इसकी एक एक लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ अपील. अब मैं आपको बताता हूँ हुआ क्या था. एक्साइज एक्साइज में प्री डिपॉजिट का स्टे भी था, प्री डिपॉजिट पहले क्या था, अभी भी सेम प्रोविजन है, पर पहले कि जितना आपसे टैक्स मांगा गया ऑर्डर में, टैक्स इंटरेस्ट प्लस पेनल्टी, तो टैक्स और इंटरेस्ट आप पहले दे दो. मेरे एक क्लाइंट के केस में टैक्स था कुछ 80 लाख, उसका इंटरेस्ट कुछ 5 लाख, 85 लाख, प्लस कुछ परसेंटेज का पेनल्टी, इतना आप दे दो, अराउंड 1 करोड़ का था. उसको अपील में तो जाना था, पर अपील में जाने के पर उसके पास 1 करोड़ इतना पैसा नहीं था, मतलब फाइनेंशियल क्राइसिस में आ गया था वो, ठीक है, तो 1 करोड़ इतना पैसा तो नहीं था. तो जब मेरे पास आया तो उसने कहा कि सर अपील में तो जाना है पर प्री डिपॉजिट्स के लिए, मतलब वो टैक्स नहीं दे रहा है, वो डिपॉजिट देना पड़ता है उतना कोर्ट के पास, प्री डिपॉजिट के लिए मेरे पास पैसा नहीं है. पर एक पहले प्रोविजन थी एक्साइज में, स्टे ऑन प्री डिपॉजिट, आप ट्रिब्यूनल के पास जाओ, हियरिंग लो और एक्सप्लेन करो कि भाई मेरा क्लाइंट जो है, ओके, अगर आपने इसको स्टे नहीं दिया तो ये अपने जो इसके बेसिक राइट्स है, ये बेसिक राइट्स से चूक जाएगा, बेसिक राइट्स इसको अपील के लिए ये प्राइमा फैसी एविडेंस मुझे देने पड़ेंगे कि भाई इसकी केस स्ट्रांग है, और अगर आपने इसकी केस नहीं सुनी जस्ट बिकॉज ऑफ प्री डिपॉजिट्स तो ओके इसके ऊपर अनड्यू हार्डशिप हो जाएगी. तो फिर मेरे लिए चैलेंज था, क्योंकि वो प्री डिपॉजिट के लिए पैसा नहीं था, उसकी केस भी एक्सेप्ट करवानी थी, और मुझे ट्रिब्यूनल की पहली हियरिंग में ये समझाना था कि ये प्री डिपॉजिट नहीं दे सकता है, ओके, और आप इस पर स्टे दे दो और इसकी अपील एक्सेप्ट करो विदाउट क्या, प्री डिपॉजिट्स, विदाउट प्री डिपॉजिट, ओके. इसके लिए मुझे ये प्रूव करना था कि अगर ये प्री डिपॉजिट ये देगा तो इट कॉज अनड्यू हार्डशिप. तो फिर क्या करना, नो डाउट मैं उसकी बैलेंस शीट, पिछले 3 साल का फाइनेंशियल स्टेटस, ओके, सब कुछ रेडी किया मैंने, ओके. और फिर जब मैं ट्रिब्यूनल में गया, ट्रिब्यूनल की फर्स्ट हियरिंग में मैंने एक पूरे फाइनेंशियल स्टेटस बताया, और मैंने ये समझाया, वहाँ सिंगल बेंच यानी एक ही मेंबर था, उनको मैंने ये समझाया कि सर अगर आप प्री डिपॉजिट लोगे तो ये फाइनेंशियल क्राइसिस में आ जाएगा और बिजनेस रन नहीं कर पाएगा. फिर वो मेंबर ने मेरे को पूछा था अदर इन्वेस्टमेंट क्या है इनकी, मैंने वो इन्वेस्टमेंट शीट भी मैंने बना के ले गया था कि इतनी अदर इन्वेस्टमेंट नहीं है कि जिससे पैसा रिकवर करके प्री डिपॉजिट ले सके. फिर मुझे ये समझाना था, फिर मेंबर ने मेरे को पूछा, मेरे को पूछा कि भाई मैं ठीक है क्यों एक्सेप्ट करूं, क्यों ऐसा लगता है कि इसके ऊपर अनड्यू हार्डशिप हो जाएगा अगर मैंने केस एक्सेप्ट नहीं की, ओके, विदाउट प्री डिपॉजिट. तो मैंने कहा, फिर मैंने कि सर ये जो मैटर है, ये मैटर ये हाई कोर्ट के डिसीजन में असेसी के फेवर में था, यहाँ ओके, या कोई ट्रिब्यूनल का डिसीजन, कोई सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन, कोई हाई कोर्ट का डिसीजन, या मेरे जो प्रेजेंटेशन है इसके बेस पे मैं उसको ये समझाने वाला था कि सर आप सिर्फ एक्सेप्ट कर लो, इसके फेवर में केस आ सकती है. एक्सेप्ट हुई थी, स्टे मिल गया था प्री डिपॉजिट पे, ओके, कि ठीक है, वो मेंबर मान गया कि ठीक है इस पर हम प्री डिपॉजिट पे स्टे देते हैं और इसकी केस एक्सेप्ट करते हैं, हमें ऐसा लगता है कि इसकी केस प्राइमा फैसी केस है और हमने सुनना चाहिए. इज इट क्लियर, ओके. तो वो सिचुएशन में आप स्टे ऑर्डर ला सकते हो ऑन प्री डिपॉजिट्स, ओके. तो लेकिन अभी जीएसटी में पता नहीं क्यों इतनी अनड्यू हार्डशिप की, जीएसटी में मैंडेटरी कर दिया प्री डिपॉजिट्स, मतलब स्टे भी नहीं मिल सकता, ओके. यानी सेक्शन 106 ये कहता है कि नो अपील शैल बी, शैल बी का मतलब ये हो गया कि आपको प्री डिपॉजिट देना ही पड़ेगा, स्टे भी नहीं मिलेगा. पहले ये प्रैक्टिस होती थी हमारी स्टे लाने की, स्टे लाने की फीस अलग,
स्टिल आया भाई प्री डिपॉजिट पे, हीरिंग की फीस अलग, लेकिन अब नहीं, प्री डिपॉजिट देना ही पड़ेगा। ओके, तो कितना प्री डिपॉजिट है देखो, एक्सप्लेन द प्रोविजन ऑफ मैंडेटरी डिपॉजिट एट रिक्वायर्ड बिफोर फाइलिंग अपील। सेक्शन 1076 प्रोवाइड द नो अपील शैल बी फाइल बिफोर ए अनलेस अपीलेंट हैज पेड फुल अमाउंट ऑफ टैक्स यानी प्री डिपॉजिट। जीएसटी में अब अपील फाइल करना इजी नहीं है, क्योंकि आपको जो डिपॉजिट रखने पड़ेंगे, जितना टैक्स पेबल आ रहा है ऑर्डर में, टैक्स प्लस क्या इंटरेस्ट प्लस क्या फाइन प्लस पेनल्टी अराइजिंग आउट ऑफ ऑर्डर एज एडमिटेड बाय हिम एंड और नहीं एंड यानी जितना बाय ऑर्डर फाइन पेनल्टी लगाया एंड एडमिटेड बाय हिम। अब एक ये वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है, समझ लो आपके अगेंस्ट में टैक्स, सुनो टैक्स का 80 लाख की ऑर्डर है, पर आपने उसमें से 40 लाख एडमिट कर लिया कि हाँ भाई 40 लाख में एडमिट कर रहा हूं, तो उसका प्रोपोर्शनेट पेनल्टी फाइन उतना दे दो, जितना आप एडमिट करोगे उतना तो पूरा दे दो, क्योंकि जब आप एग्री कर रहे हो तो इतना तो दे ही दो। और जो डिफरेंस आ रहा है, मतलब जो आप एडमिट नहीं कर रहे उसका 10% ऑफ रिमेनिंग ऑफ टैक्स डिस्प्यूट अराइजिंग फ्रॉम द सेड ऑर्डर सब्जेक्ट टू मैक्सिमम ऑफ रुपीज क्या 25 करोड़। ये अभी अमेंडमेंट है, पहले नहीं था पर अभी अमेंडमेंट है। मैक्सिमम कितना बेटा 25 करोड़। मतलब क्या, 25 करोड़ से ज्यादा प्री डिपॉजिट नहीं आएगा। तो बताओ जितना आपने टैक्स पेनल्टी फाइन एट इंटरेस्ट एडमिट किया और जो बैलेंस बचा उसका 10% ऑफ दैट टैक्स, अगर टैक्स डिस्प्यूटेड अमाउंट होगा, फाइन डिस्प्यूटेड अमाउंट होगा तो उसका 10%, अगर पेनल्टी डिस्प्यूटेड अमाउंट होगा तो उसका 10% उतना देना, पर मैक्सिमम कितना बेटा 20। ये लर्न करके ही जाना ठीक है। दूसरा, हाँ, प्री डिपॉजिट बिफोर ट्रिब्यूनल। ट्रिब्यूनल में देखो आपको वही कहा है, जो प्री डिपॉजिट फुल अमाउंट ऑफ टैक्स इंटरेस्ट एक्सेट्रा एडमिटेड बाय हिम एंड 20% ऑफ रिमेनिंग अमाउंट और मैक्सिमम कितना बेटा 50 करोड़। अच्छा, ये वर्ड को लाइन अंडरलाइन करना, इन एडिशन टू अमाउंट डिपॉजिटेड टू ए, मतलब समझे क्या, यानी ए के पास आपने अगर 10% ऑलरेडी दिया हुआ है, नहीं समझा, 10% ऑलरेडी दिया है, इन एडिशन टू दैट 20% यानी टोटल कितना हो जाएगा आपका 30% ऑफ दैट डिस्प्यूटेड अमाउंट। नहीं देखो, ये जो वर्ड है ना इन एडिशन टू अमाउंट डिपॉजिट, इट कनेक्टेड टू 20% है, कनेक्टेड टू 20% है, मतलब आप तो टैक्स इंटरेस्ट तो दे चुके हो ना, पहली अपील में दे चुके हो, फिर पहले अपील में डिफरेंशियल अमाउंट का 10% दिया और यहां पे डिफरेंशियल अमाउंट का 20 दिया, मतलब आप टोटल कितना जमा हो गया आपका 30 हो गया। ओके, 30 हो गया, मैक्सिमम 50 करोड़। तो यहां पे सर ये मैंने एनालिसिस करके दिया है यहां पे, पर यहां मैक्स अमाउंट डाल देना है, 10% ऑफ सच टैक्स इन डिस्प्यूट मैक्सिमम यहां कितना बेटा 25 करोड़ और यहां पे मैक्सिमम 50 करोड़, मैक्सिमम 50 करोड़ ठीक है। उसके बाद में नो डाउट आपको गवर्नमेंट इंटरेस्ट देगी क्या इसके ऊपर, हाँ इंटरेस्ट देगी, और क्या रेट से देगी बेटा, सेक्शन 56 में। ओके, कि क्या रेट है, 6% पर एनम, लिख दो वहां पे इंटरेस्ट, जो भी आपने प्री डिपॉजिट्स दिया उस पे इंटरेस्ट आएगा। मतलब क्या, ये एक बार फिर से, ये प्री डिपॉजिट आप एक्चुअल टैक्स पेमेंट कर रहे हो या कोर्ट में डिपॉजिट रख रहे हो, कोर्ट में अगर केस आपके फेवर में आ गया तो पूरा पैसा मिल जाएगा विथ इंटरेस्ट, और केस आपके अगेंस्ट में आ जाए तो गवर्नमेंट को ट्रांसफर हो जाएगा ठीक है। प्रोडक्शन ऑफ एडिशनल एविडेंस, इसके लिए मैं एक मूवी का एक शॉट आपके सामने लेना चाहूंगा। एक आपने जॉली एलएलबी देखा, उसमें अक्षय कुमार आखिरी में वो एक पंडित को लाता है जो टेररिस्ट रहता है, बाद में पता चलता है कि वो टेररिस्ट है, आखिरी कोर्ट में लाता है ना वो बंदे को,
तो वो कोई साधु रहता है, फिर वो रियल इसमें वो टेररिस्ट रहता है, ठीक है। आपको पता है, तब वहां पे एक पॉइंट उठाया जाता है कि ये जब केस चल रही थी, सुनिएगा, केस चल रही थी तो इसके बारे में कोई बात नहीं निकली थी, तो इसको कोर्ट में प्रोड्यूस ना किया जाए। क्यों? क्योंकि जब से केस चालू है ये बंदे के बारे में कोई भी पॉइंट उठाया नहीं गया था, तो सडनली एडिशनल एविडेंस, ये एडिशनल फैक्ट्स कोर्ट्स के सामने ना रखे जाए, ये पॉइंट उठाया था। तो तब अक्षय कुमार ने बोला था कि नहीं, ये इसके जो यहाँ पे ये जो बंदा है ये हमारे प्रोसीडिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अपोनेंट ने ये क्वेश्चन उठाया था कि नहीं, ये कितना भी इंपॉर्टेंट है तो आप सडनली कोर्ट में प्रोड्यूस नहीं कर सकते हो, इसका स्टेटमेंट कितना भी इंपॉर्टेंट होगा प्रोड्यूस नहीं कर सकते हो, और अगर प्रोड्यूस कोर्ट को अलाउ भी करना होगा तो अपोनेंट पार्टी को या फिर अपोनेंट जो लॉयर है उसको उसको या डिपार्टमेंट को या पुलिस को प्रायर नोटिस देनी पड़ेगी। इज इट क्लियर? क्योंकि अपोनेंट पार्टी पुलिस थी, आया ना वो केस में। तो जस्ट ये मैं इसलिए ले रहा हूं बेटा क्योंकि सेम फैक्ट्स यहां पे, अगर कोई इविडेंस या फैक्ट्स कोर्ट के सामने नहीं रखे गए थे पहले से, पहले से मतलब ये जब से प्रोसीडिंग इनिशिएट हुई, शो कॉज नोटिस समझ लो, डिपार्टमेंट ने आपको शो कॉज नोटिस दी थी, शो कॉज नोटिस के वक्त आपने वो फैक्ट्स रखे नहीं, ऑर्डर दिया तब भी वो फैक्ट्स रखे नहीं, अपीलेट अथॉरिटी के पास वो फैक्ट्स रखे नहीं, ट्रिब्यूनल में केस चालू होगी और वो फैक्ट्स आपने रखे नहीं, और सडनली आपने नए फैक्ट्स आप ला रहे हो सामने, तो लॉ ये कहता है कि कोर्ट उसे या ट्रिब्यूनल या अपीलेट ट्रिब्यूनल उसे एंटरटेन नहीं करेगा, चाहे कितने भी इंपॉर्टेंट हो। सर फिर वहां कैसे, जॉली एलएलबी के केस में कैसे, अब वो डायरेक्टर ने कर दिया वहां पे, अदरवाइज अलाउड नहीं है, उसकी भी एक प्रोसेस होती है कोई भी एडिशनल एविडेंस। तो ऐसे सिचुएशन में रूल 112 ये क्लियर कहता है कि जब भी कोई केस अपीलेट अथॉरिटी के पास है या ट्रिब्यूनल के पास है, एक काम करना, यहां थोड़ा चेंज करना, गलती से एडजुडिकेटिंग आ गया, यहां अपीलेट चाहिए। अपीलेट अथॉरिटी के पास है या ट्रिब्यूनल के पास है तो कोई भी एडिशनल एविडेंस या डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस नहीं कर सकते, ठीक है। देखो रूल 112 ऑफ सीजीएसटी रूल लेट डाउन दैट अपीलेंट शैल नॉट बी अलाउड टू प्रोड्यूस बिफोर ए अपीलेट अथॉरिटी और ट्रिब्यूनल एनी एविडेंस वेदर ओरल और डॉक्यूमेंट्री अदर देन एविडेंस प्रोड्यूस बाय हिम ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ प्रोसीडिंग बिफोर एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी और एज द केस में भी ए। मतलब क्या, जो जो डॉक्यूमेंट्स या एविडेंस एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी जब नोटिस आई थी उस वक्त जो प्रोड्यूस हुआ था उसी पर ही केस चलेगी, कोई भी एडिशनल एविडेंस कोर्ट के सामने नहीं रखा जाएगा। सर ऐसा क्यों? लेकिन हो सकता है कि इन बिटवीन पीरियड आपने पूरे रिकॉर्ड्स बदल दिए हो, पूरे स्टेटमेंट बदल दिए हो, डॉक्यूमेंट्स बदल दिए हो, फिर सवाल तो सही है ना कि भाई आपको ये डॉक्यूमेंट या रिकॉर्ड्स रखना था तो आपने उस वक्त क्यों नहीं रखा, अब क्या चेंज करके ला रहे हो? मेरी बात समझे क्या? तो एडिशनल एविडेंस वो ही अलाउड है जो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के सामने रखे गए थे, बाकी नहीं अलाउड है, एक्सेप्शन। ये इनकम टैक्स और एक्साइज का फेवरेट क्वेश्चन था पुराना, पर कुछ ऐसी केसेस जहां एडिशनल एविडेंस अलाउ हो सकते हैं। पहला बहुत इंपॉर्टेंट है, पहला ए, जहां, अब सुनो मैं आपको ऐसा बता रहा हूं कि जो अभी तक कभी नहीं रखे और कोर्ट उसको अलाउ कर रही है या ट्रिब्यूनल उसको अलाउ कर रहा है या अपीलेट अथॉरिटी अलाउ कर रहा है, कब, वेयर एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी और एज द केस में भी अपीलेट अथॉरिटी। सर यहां अपीलेट अथॉरिटी क्यों आया? क्योंकि अगर केस ट्रिब्यूनल में होगा तो अपीलेट अथॉरिटी, नहीं समझा, और केस अपीलेट अथॉरिटी के पास होगा तो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी, और अपीलेट अथॉरिटी हैज रिफ्यूज टू एडमिट एविडेंस विच ऑट टू हैव बीन क्या एडमिटेड। अगर आप ट्रिब्यूनल के सामने या अपीलेट अथॉरिटी के सामने ये प्रूव कर दो कि ये मैंने तब प्रोड्यूस किया था पर ऑफिसर ने इसको एंटरटेन नहीं किया, इसलिए मैं ड्यूरिंग प्रैक्टिस, अभी तो मैं काउंसलिंग ही करता हूं मोस्टली,
लेकिन पहले कोई भी डॉक्यूमेंट डिपार्टमेंट में रख देता था तो उसकी एक्नॉलेजमेंट ले लेता था, मतलब बाद में ये प्रूव कर सको कि मैंने दिया था पर इसको कंसिडर नहीं किया गया, तो कोर्ट फिर उसको कंसिडर करेगी, ट्रिब्यूनल उसको कंसिडर करेगा, ट्रिब्यूनल का अच्छा ऐसा हुआ इन्होंने नहीं किया, चलो लाओ सामने हम देखते हैं क्या आपके एविडेंसेस है। इट इज क्लियर। सेकेंड, वेर अपेलेंट वॉज प्रिवेंटेड बाय सफिशियंट कॉज फ्रॉम प्रोड्यूसिंग द एविडेंस विच ही वॉज कॉल्ड अपॉन टू प्रोड्यूस बाय एडजुडिकेटिंग ऑथोरिटी और एज द केस में भी क्या अपेलेट ऑथोरिटी। यहां जॉली एलएलबी का ये वाले क्लॉज में शायद हो सकता है कि उस जो जिसकी यहां पे मर्डर किया गया था उसका नाम एज अ टेररिस्ट बताया गया था, आपने मूवी देखी होगी तो देखिए क्या मूवी आपने वो नहीं देखी होगी तो ठीक है पर देखी होगी तो बताता हूं। तो उस कुछ रीजन की वजह से जो रियल बंदा था जिसका मर्डर किया गया या फिर जिसको ओके यहां पे जिसके अगेंस्ट में एक्शन लेना पड़ा तो जिसके अगेंस्ट में एक्शन लेना पड़ा तो वो केस में उसको रीजनेबल कॉज की वजह से प्रोड्यूस नहीं किया होगा, या फिर सिंपल वे में समझ लो कि ऑफिसर ने उस वक्त आपसे मांगा लेकिन आपके पास सफिशियंट कॉज थे कि आप वो प्रोड्यूस नहीं कर पाए। मतलब क्या, एक सिंपल एग्जांपल लेता हूं, रिलेटेड पार्टी के केस में ओपन मार्केट वैल्यू नहीं मिल रही थी इसलिए वैल्यूएशन रूल 30 में चले गया 110% ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, लेकिन ओके 110% ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मेरा सीएमए से मैं सर्टिफिकेट प्रोड्यूस नहीं कर पाया बिकॉज ऑफ सफिशियंट कॉस्ट और ऑफिसर ने रिजनेबल बेसिस पे वैल्यूएशन कर दिया, तो मैं ये प्रूव कर दूं अगर ओके ट्रिब्यूनल में कि ऑफिसर ने रिजनेबल बेसिस पे वैल्यूएशन जो किया वो सही नहीं है और मैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के एविडेंस कुछ सफिशियंट कॉस्ट की वजह से प्रोड्यूस नहीं कर पाया तो कोर्ट उसको एंटरटेन कर सकती है। एक सिंपल एग्जाम्पल मैंने दिया, और वेयर अपेलेंट वॉज प्रिवेंटेड बाय सफिशियंट कॉस्ट फॉर प्रोड्यूसिंग द बिफोर एडजुडिकेटिंग ऑथोरिटी और एज द केस में बी एनी एविडेंस विच इज रिलेवेंट टू एनी ग्राउंड ऑफ अपील। तो ये केस और डी क्लॉज देखो, वेयर एडजुडिकेटिंग ऑथोरिटी और एज द केस में बी ए हैज मेड ऑर्डर अपील अगेंस्ट विदाउट गिविंग सफिशियंट अपॉर्चुनिटी टू द अपीलेंट टू यहां एक काम करना टू प्रोड्यूस एविडेंस रिलेवेंट टू एनी ग्राउंड ऑफ अपील, या फिर ओके यहां पे अगर ये बंदा ये प्रूव कर दे, ये बंदा ये प्रूव कर दे कि मुझे रिजनेबल टाइम नहीं दिया गया एविडेंस देने के लिए ओके तो फिर ये कोर्ट उसको एंटरटेन कर सकती है। बस ये चार केस ही इंपॉर्टेंट है तो बस इतने चार लर्न करके जाना, ये नहीं भी पढ़ा तो भी चलेगा, ये ऑप्शनल में रखा तो भी चलेगा, ठीक है। ये चार केसेस इंपॉर्टेंट है। पहला आंसर, जब भी एडिशनल एविडेंस का हो तो एडिशनल एविडेंस कोर्ट ओके ट्रिब्यूनल एंटरटेन नहीं करेगा, पर कौन से फोर केसेस में एंटरटेन करेगा। इज इट क्लियर? ओके चलो, ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव, भाई अपेलेट ऑथोरिटी या ट्रिब्यूनल में कौन रिप्रेजेंट कर सकता है? तो आपका रेगुलर एम्प्लॉय भी रिप्रेजेंट कर सकता है, एडवोकेट भी, अंडरलाइन करते जाओ, सीए सीएमए या सीएस ट्रिब्यूनल तक रिप्रेजेंट कर सकते हैं अपने क्लाइंट को, या रिटायर्ड ऑफिसर ऑफ टैक्स डिपार्टमेंट नॉट बिलो द रैंक, देखो रिटायर्ड ऑफिसर ऑफ कमर्शियल टैक्स डिपार्टमेंट ऑफ एनी स्टेट गवर्नमेंट यूनियन टेरिटरी और बोर्ड हु ड्यूरिंग द सर्विस अंडर द गवर्नमेंट हैज वर्क इन अ पोस्ट नॉट बिलो द रैंक ऑफ क्या ग्रुप बी गैजेटेड ऑफिसर ओके not less than 2 years and कम से कम 2 साल की उसकी सर्विस होनी चाहिए। However, such officer shall not be entitled to appear before any proceeding for a period of 1 year. मतलब 2 साल की उसकी मिनिमम सर्विस होनी चाहिए और रिटायर्ड होने के बाद 1 साल तक वो नहीं दे पाएगा। क्यों? क्योंकि 1 साल भाई रिटायर्ड ऑफिसर है, उसके कनेक्शन ऑलरेडी है, अरे है ना, तो 1 साल तक वो जो है वो रिप्रेजेंट नहीं कर पाएगा। उसके बाद में person who has been authorized एज अ जीएसटीपी, जीएसटीपी कुछ याद आया? नहीं भी याद होगा तो जीएसटीपी रहता है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स प्रैक्टिशनर, जिसको लाइसेंस मिले। ओके, डिस्क्वालिफिकेशन टू एक्ट एज अ ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव, तो डिस्क्वालिफिकेशन देखो क्या है, डिसमिस और रिमूव फ्रॉम द गवर्नमेंट सर्विस, कन्विक्टेड एन ऑफेंस, जिसने खुद ऑफेंस किया हो वो दूसरों को क्या रिप्रेजेंट करेगा,
उसके बाद में फाउंड गिल्टी ऑफ मिसकंडक्ट सम इन प्रिस्क्राइब अथॉरिटी, मतलब इवन एज अ सीए प्रोफेशनल हम गिल्टी ऑफ मिसकंडक्ट है ओके, तो भी हम रिप्रेजेंट नहीं कर पाएंगे एंड ही बिकम इनसॉल्वेंट। शैल बी डिसक्वालिफाइड, ऐसा करना, डिसक्वालिफाइड टू रिप्रेजेंट एनी पर्सन फॉर ऑल टाइम इन केस ऑफ ए बी सी। अगर केस ए बी सी की है तो वो परमानेंटली डिसक्वालिफाइड रहेगा, और फॉर अ पीरियड ड्यूरिंग विद, जब डी का केस होगा इंसॉल्वेंट का होगा, तो जब तक इंसॉल्वेंसी की केस उसके अगेंस्ट में है ओके, वो डिसक्वालिफाई रहेगा। नाउ नेक्स्ट, अब आप फटाफट बता दो, अपील टू हाई कोर्ट, डायग्राम देख के बताओ हाई कोर्ट के पास अपील कब जाएगी? अरे बोलो, हाई कोर्ट पास किसके अपील के कब जाएगी? अगर डिसीजन किसका है, नहीं डिसीजन, अगर स्टेट ट्रिब्यूनल या एरिया ट्रिब्यूनल का हो और वो क्वेश्चन ऑफ लॉ, अंडरलाइन, ऑर्डर पास बाय स्टेट बेंच और एरिया बेंच ऑफ ट्रिब्यूनल, उनकी ही अपील जाएगी। और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट लाइन, इन अदर वर्ड्स ऑर्डर ऑफ नेशनल या रीजनल बेंचेस कैनॉट बी चैलेंज, बताओ नेशनल रीजनल बेंच हाई कोर्ट के पास जाएगी या डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट के पास? डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट के पास जाएगी। द हाई कोर्ट में एडमिट सच अपील इफ सैटिस्फाइड दैट इट इन्वॉल्व क्या, सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ विद इन 180 डेज, लिख देना वहां पे ऊपर चार्ट में। टाइम लिमिट क्या बेटा अपील का, लिख दो ऊपर हाई कोर्ट के ऊपर लिख देना, विद इन 180 डेज फॉर्म एपीएल 08 रहेगा। फॉर्म एपीएल 08 रहेगा। और अपील टू सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में नेशनल बेंच या रीजनल बेंच का अपील जाएगा, और जजमेंट ऑफ हाई कोर्ट अंडर 117 इन केस ऑन इज ओन मोशन और एप्लीकेशन मेड इन दिस बिहाफ बाय पार्टी इमीडिएटली आफ्टर पासिंग द जजमेंट ऑर्डर हाई कोर्ट सर्टिफाई फिट वन फॉर क्या बेटा, सुप्रीम कोर्ट। हाई कोर्ट अगर वो सर्टिफाई करके देता है कि केस इज फिट फॉर सुप्रीम कोर्ट, तो वो जाएगा यहाँ पे अपील में। उसके बाद में वगैरह ठीक है, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ लास्ट वाला क्वेश्चन नंबर 40 लास्ट ही है ना, हाँ ठीक है, ये सेक्शन 121 है। स्टेट द ऑर्डर अगेंस्ट विच अपील कैनॉट बी फाइल, कौन सी ऐसी ऑर्डर है जिसकी अपील फाइल ही नहीं हो सकती? ठीक है, आ सकता है क्वेश्चन, एज पर सेक्शन 121 ऑर्डर लिस्टेड बिलो कैनॉट बी अपील अगेंस्ट, ए ऑर्डर ऑफ कमिश्नर और अदर कॉम्पिटेंट ऑथोरिटी फॉर ट्रांसफर ऑफ प्रोसीडिंग फ्रॉम वन ऑफिसर टू क्या अनदर, कमिश्नर ने एक ऑफिसर से प्रोसीडिंग उठा के दूसरे को दे दी, तो आप गए अपील में, ऐसे कैसे दूसरे को दी, मेरा उसके साथ अच्छा जमता था, मैं अपील फाइल करूंगा, नहीं आप अपील नहीं फाइल कर सकते। दूसरा ओके भाई, एक सिंपल एग्जांपल, यहाँ क्लास की रिसिप्ट चेक करने पहले सारंग होता था, मैंने सारंग को छोड़ के दूसरे को दे दिया, आपकी सारंग के साथ ट्यूनिंग अच्छी थी, ठीक है, तो ऐसे केस में ऐसा नहीं है ओके, वो अपील नहीं फाइल हो सकता। दूसरा, ऑर्डर पर्टेनिंग टू सीजर ऑफ रिटेंशन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन एंड अदर डॉक्यूमेंट, आपके डॉक्यूमेंट सीज कर लिए और आपने अपील में चले गए, ऐसे कैसे सीज कर लिए, नहीं आप उसकी अपील फाइल नहीं कर सकते। ऑर्डर सैंक्शनिंग द प्रोसिक्यूशन अंडर दिस एक्ट, एंड लास्ट, ऑर्डर पास अंडर सेक्शन 80 रिलेटिंग टू पेमेंट ऑफ टैक्स इंटरेस्ट एंड अदर ड्यूज इन क्या, इंस्टॉलमेंट। तो ये ठीक है, ये कुछ केसेस है जहां अपील आप फाइल नहीं कर सकते, चलो कर नहीं सकते, नहीं नहीं, ऑर्डर सैंक्शनिंग द प्रोसिक्यूशन मतलब तेरे अगेंस्ट में प्रोसिक्यूशन ऑर्डर आया तो तू अपील में जा सकता है, पर प्रोसिक्यूशन ही क्यों सैंक्शन हुआ उसका अपील तू फाइल नहीं कर सकता। ठीक है, चलो एक बार फिर से 5 मिनट, फिर ये चैप्टर को एंड करते हैं।
और अब पूरा चार्ट सामने रखो एक बार पूरा चार्ट, ये दिमाग में डेटा रैम का आप हार्ड डिस्क में ट्रांसफर करते हैं, ठीक है? देखो एडजुडिकेटिंग ऑथोरिटी, बिल्कुल रिलैक्स, ध्यान से सुनना। एडजुडिकेटिंग ऑथोरिटी मतलब हमारा ऑफिसर, ऑफिसर की हिरार्की, जिसमें चीफ कमिश्नर से लेकर सुपरिटेंडेंट तक, उसे एडजुडिकेटिंग ऑथोरिटी कहा जाएगा। अगर इन ऑफिसर ने 62 में बेस जजमेंट किया हो और बेस जजमेंट ऑर्डर दिया हो, 63 में बेस जजमेंट किया हो, समरी असेसमेंट किया हो, या फिर 73 की प्रोसीडिंग लगाई हो, ऑर्डर दिया हो, 74 की प्रोसीडिंग लगाई हो, ऑर्डर दिया हो, या फिर रिफंड का रिजेक्शन ऑर्डर हो, इसके अगेंस्ट में आप अपील में, इनके ऑर्डर है ऑर्डर बाय ऑफिसर और ये भी ऑर्डर बाय ऑफिसर, मतलब ये दो डिवाइड के, ऑफिसर वही है सिर्फ मैंने डिवाइड दो किया है, ठीक है? अगर प्रॉपर ऑफिसर की ऑर्डर होगी, सर इसमें प्रॉपर ऑफिसर यानी क्या हो सकता है? कमिश्नर, एडिशनल कमिश्नर, जॉइंट कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर, डेप्यूटी कमिश्नर, इंस्पेक्टर, सुपरिटेंडेंट, मेरी बात समझ में आ रही है आपको? इंस्पेक्टर और सुपरिटेंडेंट कोई भी हो सकता है, जिसने किसी ने भी ऑफर दी होगी। अगर ये ऑर्डर से रिलेटेड आप एज अ टैक्स पेयर सेटिस्फाइड नहीं हो, आप अपील में जा सकते हो। प्रोसीजर फॉर्म होगा क्या बेटा, APL 01, किसके पास अपील में जा सकते हो? अपीलेट अथॉरिटी। 3 महीने में कॉन्डोनेशन ऑफ डिले, कितना था कॉन्डोनेशन ऑफ डिले लिखा क्या आपने? 1 मंथ, ओके। और आपको प्री डिपॉजिट्स देना पड़ेगा, प्री डिपॉजिट देना पड़ेगा, और अपीलेट अथॉरिटी के पास आप ओके ये जा सकते हो। अदरवाइज कमिश्नर अपने ही ऑफिसर का ऑर्डर अपील में ले जाना चाहता है, जिसे हम नॉर्मल लैंग्वेज में रिव्यू कहते हैं, जिसे नॉर्मल लैंग्वेज में रिव्यू कहते हैं, कमिश्नर को ऐसा लग रहा है कि उसके ही ऑफिसर ने, फिर वो जॉइंट कमिश्नर हो, एडिशनल कमिश्नर हो, डेप्यूटी कमिश्नर हो, कोई भी हो, उसके ही ऑफिसर ने प्रॉपरली ऑर्डर लीगल और प्रोप्राइटी कंसेप्ट पे नहीं दिया है, लीगल और प्रॉपर्टी कंसेप्ट पे नहीं दिया है, तो अपने ही ऑफिसर खुद होकर या SGST UTGST की कमीशन रिक्वेस्ट आने पे ओके वो अपील फाइल कर सकता है। उस अपील को हम सिंपल लैंग्वेज में कहते हैं क्या, रिव्यू, ओके। और कितने दिन में बेटा? विद इन 6 मंथ्स वो फाइल कर सकता है। नाउ नेक्स्ट, अगर किसी ऑफिसर ने, एडिशनल ज्वाइंट कमिश्नर, ऑर्डर दी है और वो ऐसा लग रहा है कि ऑर्डर इरोनियस है, इलीगल है, इम्प्रॉपर है, और नॉट कंसिडरिंग क्या मटेरियल फैक्ट्स है, और अगर ऑर्डर इरोनियस है और विच अफेक्ट द रेवेन्यू ऑफ गवर्नमेंट, अरे है ना, तो फिर रिविजनल ऑथोरिटी खुद होकर वो केस रिविजन के लिए ले सकती है और खुद ही वो ऑर्डर को मॉडिफाई कर सकती है, एनहांस कर सकती है या एनल कर सकती है। इज इट क्लियर? ओके ना। अब ये जो बेटा अपीलेट अथॉरिटी, अपीलेट अथॉरिटी कौन होगी? अगर एडजुडिकेशन एडिशनल या जॉइंट कमिश्नर ने किया हो तो उसके लिए अपीलेबल अथॉरिटी होगी कमिश्नर अपील, और बिलो रैंक ऑफिसर ने किया हो तो फिर उसके लिए होगा जॉइंट कमिश्नर अपील्स, ये अथॉरिटी अपीलेट अथॉरिटी होगी, ओके। उसके बाद में अगर AA का ऑर्डर है या RA का ऑर्डर है, AA का ऑर्डर अगर असेसी के फेवर में आता है तो डिपार्टमेंट सेटिस्फाइड नहीं है, तो यह एग्रीड पर्सन हुआ डिपार्टमेंट, या फिर डिपार्टमेंट के फेवर में आता है तो टैक्स पेयर एग्रीड पर्सन हुआ, तो अब इनके ऑर्डर के अगेंस्ट में ओके नाउ हम ट्रिब्यूनल में दोनों में से कोई भी पार्टी जा सकती है जिसके अगेंस्ट में केस है, ओके। फॉर्म APL 05 में जाएगा, प्री डिपॉजिट्स आपको देना पड़ेगा। अब यहां जो प्री डिपॉजिट्स है, अमाउंट लिखना है तो लिख लो, यहां का प्री डिपॉजिट कुछ पता है आपको कितना प्री डिपॉजिट है? लिख दो यहां का अपलेट ऑथोरिटी का प्री डिपॉजिट, लिखो अमाउंट इक्वल्स टू टैक्स, अमाउंट इक्वल्स टू ए लिखना, अमाउंट इक्वल्स टू ए टैक्स फाइन,
टैक्स इंटरेस्ट फाइन पेनल्टी अमाउंट इक्वल्स टू ए टैक्स इंटरेस्ट फाइन पेनल्टी एडमिटेड बाय टैक्स पेयर एंड बी बी कितना एंड एंड इंपॉर्टेंट बी कितना एंड 10% ऑफ डिस्प्यूटेड टैक्स बट मैक्सिमम कितना बेटा 25 crores मैक्सिमम 25 crores और यहां का प्री डिपॉजिट कितना है एग्जैक्टली सेम सिर्फ कितना आएगा 20% और 50 crores एग्जैक्टली सेम लिखो उस ऊपर जैसा आएगा सिर्फ 20% बी क्लॉज में 20 एग्जैक्ट कॉपी करो सिर्फ बी क्लॉज में 20% और मैक्सिमम कितना बेटा 50 crores मैक्सिमम 50 crores डन। हाँ अब देखो एक नोट डाल देना 20% इज इन एडिशन टू नोट डाल देना 20% ऑफ डिस्प्यूटेड टैक्स इज इन एडिशन टू प्री डिपॉजिट पेड टू एए प्री डिपॉजिट पेड टू एए ठीक है। उसके बाद में अपीलेट ट्रिब्यूनल के चार बेंचेस हो गए बताओ कौन कौन से बेंच होगा नेशनल रीजनल स्टेट एंड एरिया डन। अब नेशनल रीजनल के पास केस आइदर पीओएस की जाएगी या वन ऑफ द डिस्प्यूटेड पॉइंट क्या पीओएस होगा फिर इरिस्पेक्टिव ऑफ अमाउंट वो केस नेशनल के पास जाएंगे ओके और बाकी सब केसेस किसके पास जाएगी एरिया और स्टेट। अगर आपको बाद में लिखना होगा तो लिख देना कि डिस्क्रिशनरी पावर बताओ ट्रिब्यूनल के पास डिस्क्रिशनरी पावर कब है जब आपका टैक्स अमाउंट 50,000 से कम है अरे याद आया ना या पेनल्टी फाइन अमाउंट 50,000 से कम है तो ये पॉइंट आप बाद में ऐड भी कर सकते हो डिस्क्रिशनरी पावर का। ये चार्ट में एक बार फिर से पढ़ के क्या और ऐड कर सकते हो ये आप देख लेना किस तरह से ऐड कर सकते हो ओके तो जाएगा और फिर ये केस डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट और यहां से ये केस हाई कोर्ट ठीक है। तो ये हुआ चैप्टर अपील हाँ एक करेक्शन कर लो सेक्शन 56 का वो जो इंटरेस्ट है ना प्री डिपॉजिट का इंटरेस्ट 6% नहीं है 9% है प्री डिपॉजिट का इंटरेस्ट 9% है डन। सिक्स परसेंट नहीं 9% है ठीक है। चलो यहां यह चैप्टर एंड होता है टेक अ ब्रेक फिर हम लास्ट चैप्टर इंस्पेक्शन सर्च एंड सीजर।
वेल सो दिस इज अवर टुडेज लास्ट टॉपिक इंस्पेक्शन सर्च सीजर एंड अरेस्ट. और यहाँ आज GST खत्म हो जाएगा, देन यू विल स्टार्ट डेफिनेटली क्या कस्टम. ठीक है, तो सेक्शन 67 से लेके तो सेक्शन 72, मुझे ऐसा लगता है आप थोड़ा सा ध्यान दोगे तो ये 75-76 तक सेक्शन लर्न करना आपके लिए इजी हो जाएगा. वैसे आपको याद होगा तो थोड़ा एक बार सेक्शन देख लेते हैं, कोशिश करते हैं. सेक्शन 7, यस, सप्लाई. 8, कंपोजिट एंड मिक्स सप्लाई. 9, चार्जिंग, अरे भूल गए क्या, चार्जिंग सेक्शन. 10, कंपोजिशन स्कीम. 11, एग्जम्पशंस. 12, टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स. 13, टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज. 14, चेंज इन रेट ऑफ टैक्स. 15, वैल्यूएशन. 16, कंडीशन एंड एलिजिबिलिटी ऑफ ITC. 17, ब्लॉक क्रेडिट एंड अपोर्शनमेंट ऑफ ITC. 18, स्विचिंग, नॉर्मल स्विचिंग, उल्टा स्विचिंग वगैरह जो भी है. 19, जॉब वर्क. ओके, 20, ISD. 21, एक्सेस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ITC ऑफ ISD. 22, थ्रेशोल्ड. 23, कुछ केसेस में रजिस्ट्रेशन करने की ज़रूरत नहीं है. 24, क्या कंपलसरी रजिस्ट्रेशन. 25, प्रोसीजर ऑफ रजिस्ट्रेशन. 26, डीम रजिस्ट्रेशन. 27, CTP एंड NRTP. ओके, 28, अमेंडमेंट इन रजिस्ट्रेशन. 29 एंड 30, कैंसलेशन एंड रिवोकेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन. 31, इनवॉइस. 31 क्या बेटा, इनवॉइस. उसके बाद में नेक्स्ट 32, क्या 32 क्या था नहीं मालूम, बता देता हूँ. 32 मतलब यू कैन नॉट कलेक्ट GST इन एक्सेस. 33, आपको GST सेपरेटली मेंशन करना जरूरी है. 34, क्रेडिट नोट एंड डेबिट नोट. 35, रिकॉर्ड्स एंड डॉक्यूमेंट्स इंक्लूडिंग ऑडिट. 35 एंड 36. 37, GSTR1. 38, नहीं है सिलेबस में पर GSTR2. 39, GSTR3 या 3B सिलेबस में नहीं है. 40, फर्स्ट रिटर्न. आप जब फर्स्ट रिटर्न फाइल करोगे तो आपको अर्लियर पीरियड का, जो जब आप अनरजिस्टर्ड थे बट लायबल टू रजिस्टर थे, तो वो पीरियड का भी आप कंसिडर कर सकते हो. 41, 42, 43 नहीं है. 44 जो है एनुअल रिटर्न. 45 फाइनल रिटर्न. 46 नोटिस नॉट फाइलिंग ऑफ रिटर्न. 47 ओके लेट फी एंड एक्सेट्रा. तो यहाँ तक हमने देखा. फिर 49 जो है पेमेंट ऑफ टैक्स, वो लेजर, अलग अलग लेजर. 50 इंटरेस्ट. 51 TDS. 52 TCS. कुछ याद आया. फिर 53 से लेके तो 54, 55, 56 ऐसे 58 तक रिफंड. 59 याद आएगा आपको, सेल्फ असेसमेंट. 59 सेल्फ. 60 प्रोविजनल असेसमेंट. 61 स्क्रूटिनी असेसमेंट. 62 नॉन फिलर्स ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन. 64 समरी असेसमेंट. 65 डिपार्टमेंटल ऑडिट. 66 स्पेशल ऑडिट. कुछ याद आया, स्पेशल ऑडिट, डिपार्टमेंटल ऑडिट एंड स्पेशल ऑडिट बाय CA CMA. 67, 8, 9, 70, 71, 72. 73 वो शोकॉज नोटिस डिमांड ऑर्डर. 74 फ्रॉड का केस. 75 जनरल डिसिप्लिन फॉर शोकॉज नोटिस. कुछ याद है आपको, थोड़ा आप अगर लिस्ट बना लोगे ना तो याद रह जाएगा आपको, थोड़ी लिस्ट बना लेना. ओके, सेक्शंस की. नाउ 67, पावर इंस्पेक्शन सर्च एंड सीजर. What is the need of inspection, search, seizure and arrest? काम का नहीं है पर पढ़ता हूँ, मूड हो रहा है मेरा पढ़ने का. एनी टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन द प्रोविजन ऑफ फॉर इंस्पेक्शन सर्च सीजर एंड अरेस्ट आर प्रोवाइडेड टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ जेन्युइन टैक्स पेयर एज अ टैक्स इवेडर बाई इवेडिंग टैक्स एंड गेट अनफेयर एडवांटेज
over the genuine taxpayer as a different from tax evasion. These provisions are also required to safeguard the government's legitimate dues. Thus, these provisions act as a deterrent and by checking evasion, provide a level of playing field to genuine taxpayer. मतलब क्या? ठीक है, जितना समझा उतना. पहली बात तो ये सब सर सीजर अरेस्ट इम्प्रिजनमेंट पनिशमेंट आपको इसलिए होती है क्योंकि गवर्नमेंट अपने ड्यूज भी सिक्योर करता है, और दूसरा जो जेन्युइनली टैक्स पे कर रहे हैं उन्हें ऐसा नहीं लगना चाहिए कि हम गलती कर रहे हैं, कि जो टैक्स छुपा रहे हैं उनको आप कोई पनिशमेंट ही नहीं दे रहे, और हम टैक्स ऑनेस्टली पे कर रहे हैं और आप उनके अगेंस्ट में कुछ नहीं, तो ये गलत बात है. तो इनको भी खुशी होनी चाहिए, यस लेना तो नहीं देता ना, तो उसके अगेंस्ट में एक्शन होना जरूरी है. चलो जो भी है, एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स. डिक्शनरी मीनिंग क्या है? इंस्पेक्शन सर्च एंड सीजर. इंस्पेक्शन इज द एक्ट ऑफ एग्जामिन समथिंग ऑफन क्लोजली. अच्छा मुझे बताओ, आप छोड़ो जाना दो वर्ड्स का बाद में, आप लेमन लैंग्वेज बताओ, आप इंस्पेक्ट कर रहे हो और आप सर्च कर रहे हो, दोनों में क्या डिफरेंस होना चाहिए? लेमन लैंग्वेज में बताओ, आप इंस्पेक्ट कर रहे हो और आप सर्च कर रहे हो. इंस्पेक्शन में आपको सिर्फ डाउट है पर आप कंफर्म नहीं हो कि सामने वाले ने ऑफेंस किया है या नहीं किया, तो आप सिर्फ चीजें देख रहे हो कि भाई जनरल इंस्पेक्शन कर लेते हैं, डाउट है या फिर ये प्रॉपर फॉर्मेलिटीज कर रहे हैं. और सर्च मतलब आपको क्लियर पता है कि कुछ तो गड़बड़ है. ओके, तो देखो, इट इंस्पेक्शन इज एक्ट ऑफ एग्जामिनिंग समथिंग ऑफन क्लोजली. इन टैक्स और लीगल लैंग्वेज इट इज अ सॉफ्टवेयर प्रोविजन दैन सर्च. अंडरलाइन, सॉफ्टवेयर प्रोविजन दैन सर्च. इट इनेबल ऑफिसर टू एक्सेस एनी प्लेस ऑफ बिजनेस of taxable person and also may place of business a person engaged in transporting goods or who is the owner operator of warehouse or godown. मतलब क्या? इंस्पेक्शन मतलब जनरल इंस्पेक्शन. भाई तुम्हारे आज फैक्ट्री में आ रहे हैं, एक इंस्पेक्शन कर रहे हैं कि सब एक्टिविटी प्रॉपर चल रही है या नहीं चल रही है, ये चेक कर रहे हैं. नहीं नहीं, हमारे पास कोई ऐसे रीजन टू बिलीव नहीं है कि आपने कुछ छुपाया है, बस हमको देखना है कि एज पर लॉ आप सब एक्टिविटी कर रहे हो या नहीं कर रहे, उसे हम क्या कहते हैं बेटा? इंस्पेक्शन. सर्च, सर्च इन्वॉल्व अटेम्प्ट टू फाइंड समथिंग. मेरे पास कॉन्क्रीट इंफॉर्मेशन है कि कुछ तो आपने छुपाया है और मैं उसको फाइंड आउट करने वाला हूं. फाइंड समथिंग इन टैक्स और लीगल पार्लेंस इट इज एन एक्शन ऑफ गवर्नमेंट ऑफिशियल, मे बी टैक्स ऑफिसर और पुलिस ऑफिसर डिपेंडिंग ऑन द केस, टू गो एंड लुक थ्रू और एग्जामिन केयरफुली अ प्लेस और पर्सन ऑब्जेक्ट एक्सेट्रा इन ऑर्डर टू फाइंड समथिंग कॉन्सिल. अंडरलाइन, to find something concealed or discover the evidence of crime, the search can only be done under the proper and valid authority of law. ek kaam karna, main kitna bhi padhau aapko, lekin raid movie Ajay Devgan ki, usme se wo download kar lena, milti hogi to, okay, ya youtube pe, aur usme se jab wo raid karne jata hai wahan se to leke jab raid yani wo aadhi ghante ka portion, ओके वो जरूर देखना. उसमें हर वो एक्टिविटी का ख्याल रखा है इनकम टैक्स के हिसाब से, अभी जीएसटी के हिसाब से जो रेड में. और इधर बुक रखना और इधर मूवी देखते जाना. घर पे अगर आपको पूछा क्या देख रहा है पढ़ाई करते हो, मतलब पढ़ रहा हो. ओके, एक एक एक्टिविटी देखना उसकी, हर सेक्शंस उसमें कंप्लाई किए. सर्च में होता क्या है? सर्च में आपको डाउट है कि कुछ तो छुपा है. आप जब वो मूवी देखोगे रेड, तो रेड मूवी में यहाँ पे उनको उसको डाउट आया कि सीलिंग में कुछ है, ओके दीवार में कुछ है, अरे है ना, तो वो तो स्पेशली उसके लिए गया था कुछ ढूंढ के निकाले. उसके पास कॉन्क्रीट इंफॉर्मेशन थी कि कुछ छुपाया गया है, पैसा छुपाया गया है. इज इट क्लियर? ओके, सीजर. अच्छा मैं तीन वर्ड में आपके से डिस्कशन करना चाहूंगा, डिटेंशन सीजर एंड कॉन्फिस्केशन. तीनों गुड्स के ही होते हैं, पर्सन के सीजर नहीं होता है, तो सीज कर दिया पर्सन को, उसको अरेस्ट बोलते हैं, सीजर नहीं बोलते हैं.
डिटेंशन, सीजर एंड कॉन्फिस्केशन। नो डाउट लास्ट चैप्टर में हमने कॉन्फिस्केशन देखा था कि कौन से केस में कॉन्फिस्केशन किया जाता है। आपको याद नहीं होगा, ये बात पक्की है, पर देखा था हमने ऑफेंस एंड पनिशमेंट में। ओके, कि इफ यू रिसीव एनी गुड्स और सप्लाई एनी गुड्स इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ लॉ, आपने रजिस्ट्रेशन नहीं लिया, आपने रिकॉर्ड्स प्रॉपरली मेंटेन नहीं किया, अलग अलग सिचुएशंस थी जब कॉन्फिस्केशन। एक बार फिर से, डिटेंशन, सीजर और कॉन्फिस्केशन में क्या लगता है तुझे? ओके, क्या डिफरेंस होना चाहिए डिटेंशन, सीजर एंड कॉन्फिस्केशन? कॉन्फिस्केशन में ओनरशिप ट्रांसफर टू गवर्नमेंट, करेक्ट। सीजर में बेटा सिर्फ सील कर देते हैं, और डिटेंशन में सील भी नहीं करते, सिर्फ वो स्टॉप करके रखते हैं कि मेरे ऑर्डर के बिना तो निकाल नहीं सकता, क्योंकि इंक्वायरी चालू है। तो देखो, जब जस्ट इंक्वायरी चालू है और डाउट है तब डिटेन किया जाता है। जब कंफर्म हो गया कि इसने फ्रॉड किया है तो सीज कर लेते हैं, और बाद में एक्शन होती है क्या बेटा? कॉन्फिस्केशन की, जहां ओनरशिप राइट ट्रांसफर टू गवर्नमेंट। देखो सीजर, द टर्म सीजर हैज नॉट बीन स्पेसिफिकली डिफाइंड इन जीएसटी। इन लीगल पार्लेंस सीजर इज द एक्ट ऑफ टेकिंग ओवर समथिंग और समवन बाय फोर्स, अंडरलाइन बाय फोर्स, through legal process such as the seizure of evidence found to be the scene of crime. It is generally implies taking possession forcefully against the wishes of owner. Lekin, okay, in case of seizure, side mein student note mein likho, in case of seizure, ownership lies with owner. Ownership lies with owner, but possession of goods actually taken by department ठीक है, और सेकंड, इन केस ऑफ कॉन्फिस्केशन, ये बताओ इन केस ऑफ कॉन्फिस्केशन क्या होता है? ओनरशिप एंड पोजेशन ट्रांसफर टू गवर्नमेंट, ओनरशिप एंड पोजेशन ट्रांसफर टू गवर्नमेंट, ठीक है। और डिटेंशन क्या होता है बेटा? एक काम करो, सीजर के ऊपर डिटेंशन लिखो। एक मिनट, डिटेंशन मतलब ओनरशिप भी तुम्हारे पास है टैक्स पेयर के पास, और पोजेशन भी तुम्हारे पास है, सिर्फ डिटेन करके रखा है। सीजर में ओनरशिप अभी भी ओनर के पास है, सिर्फ पोजेशन ले लिया है, और कॉन्फिस्केशन में, तो एक काम करो, डिटेंशन सीजर के ऊपर लिखना। डिटेंशन मीन्स ओनरशिप एंड पोजेशन, डिटेंशन मीन्स ओनरशिप एंड पोजेशन स्टिल लाइ विद द ओनर, स्टिल लाइ विद द ओनर, ठीक है। तो ये हमने डिफरेंस देखा कि भाई डिटेंशन सीजर का क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन वही था, डिटेंशन एंड सीजर का डिफरेंस क्या है और कॉन्फिस्केशन है नहीं क्या। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, हु हैज द पावर टू कैरी आउट इंस्पेक्शन अंडर द जीएसटी एक्ट सेक्शन 67 के हिसाब से इंस्पेक्शन कौन कर सकता है जीएसटी में? तो लिखो, अंडरलाइन करो, एन ऑफिसर ऑफ द रैंक ऑफ ज्वाइंट कमिश्नर और अबव। ओके, सुनो, इंस्पेक्शन कैन बी कैरी आउट बाय एनी ऑफिसर ओनली ऑन रिटन ऑथराइजेशन। मतलब अगर आपको कोई भी ऑफिसर इंस्पेक्शन कर सकता है, लेकिन रिटन ऑथराइजेशन किसके चाहिए? ज्वाइंट कमिश्नर या अबव, वो ऑफिसर से चाहिए। नेक्स्ट, स्टेट द सर्कमस्टेंसेस अंडर विच इंस्पेक्शन शैल बी कैरिड आउट। कौन से केस में इंस्पेक्शन हो सकता है?
इफ हैज रीजन टू बिलीव अंडरलाइन द टैक्सेबल पर्सन हैज डन वन ऑफ द फॉलोइंग सप्रेस एनी ट्रांजेक्शन सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस सप्रेस स्टॉक ऑफ द गुड्स इन हैंड क्लेम एक्सेस ITC और कॉन्ट्रावेंड एनी ऑफ द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट. तो वहां इंस्पेक्शन हो सकता है. बी एनी पर्सन एंगेज इन ट्रांसपोर्टिंग द गुड्स हैज केप्ट द गुड्स विच हैव बीन एस्केप द पेमेंट ऑफ टैक्स और हैज केप्ट हिज अकाउंट और गुड्स इन अ मैनर दैट इज लाइकली टू कॉज इवेजन ऑफ टैक्स वेदर आर नॉट ही इज अ रजिस्टर्ड टैक्सेबल पर्सन. एंड सी क्लॉज ओनर और ऑपरेटर ऑफ वेयर हाउस और गोडाउन हैज केप्ट द गुड्स विच हैव एक्सेप्ट एस्केप द पेमेंट ऑफ टैक्स और हैज केप्ट हिज अकाउंट और गुड्स इन अ मैनर दैट लाइकली टू कॉज क्या इवेजन ऑफ टैक्स. मतलब एक तो टैक्स पेयर के अगेंस्ट में, ट्रांसपोर्टर के अगेंस्ट में, या फिर वेयर हाउस कीपर के अगेंस्ट में जो प्रॉपर रिकॉर्ड्स वगैरह मेंटेन नहीं कर रहे हैं, और गुड्स ऐसे मिले जिससे ये पता हो सकता है कि भाई ये गुड्स बिना टैक्स का गायब हो सकता है, एस्केप ओके विदाउट टैक्स. व्हाट डू यू मीन बाय रीजन टू बिलीव? क्यों? क्योंकि यहां पे लिखा हुआ है ये इंस्पेक्शन तभी होगा जब क्या बेटा रीजन टू बिलीव होगा. रीजन टू बिलीव यानी क्या? प्रायोरिटी सी में रखना, एग्जाम में तो नहीं आएगा. अगर प्रैक्टिस प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू देखना होगा, मीन्स हैविंग अ नॉलेज ऑफ फैक्ट्स ऑल्दो डज नॉट मीन्स हैविंग डायरेक्ट नॉलेज that would make a reasonable person knowing same facts to reasonably conclude the same thing. A person is said, मतलब एक छोटा सा एग्जाम्पल. क्लास में पहले दिन, दूसरा दिन है क्लास का, मैंने पूछा सबने एडमिशन ले ली क्या? ओके, सबने हाँ कहा. मैंने कहा कि जिसने भी एडमिशन नहीं ली होगी हाथ उठाओ. किसी ने हाथ नहीं उठाया. ठीक है, फिर मैं जा रहा हूँ बेंचेस के बाजू से इंस्पेक्शन कर रहा हूं. अब मेरे इंस्पेक्शन में रीजन टू बिलीव क्या रहेगा कि मैं कैसे ये आइडेंटिफाई करूंगा कि इसकी एडमिशन चेक करना चाहिए? ओके, बस बेंच के आजू बाजू घूम रहा हूं, देख रहा हूं कि एक स्टूडेंट के पास नोट्स नहीं है. रीजन टू बिलीव, वे नोट्स तो सबको दी थी, इसके पास नोट्स नहीं है. मतलब मुझे रीजन कि भाई वो ऐसे फैक्ट्स जिससे आप डाउट क्रिएट कर सकते हो, रीजन टू बिलीव. तो जैसे मैं उसको बोलूंगा कि नोट्स नहीं है, फिर ओके बता एडमिशन लिया क्या? उसने कहा सर लिया. रिसिप्ट बता. अगर रिसिप्ट नहीं होगी तो पकड़े गया, रिसिप्ट होगी तो ठीक है, फिर नोट्स कहाँ हैं? तो बोलेगा सर आज भूल गया. फिर ठीक है, रिसिप्ट है ना, इट्स ओके. इन सिंपल वर्ड सही, ओके रीजन टू बिलीव. चलो, तो अब यहाँ पे रीजन टू बिलीव वो ऑफिसर के, ये भी बात बता दो, ये ऑफिसर के एक्सपीरियंस पे. बहुत से ऑफिसर, तो मुझे याद है एक्साइज में, एक्साइज था ही अलग, ओके एक्साइज में मुझे याद है, अब धीरे धीरे GST में भी होगा आगे. वो मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशन को देखकर बहुत सी चीज़ें सोचते थे कि भाई ऐसा, फिर इनका ओके अब मैं एक्साइज की डिटेल में नहीं जाऊँगा, सर्विस टैक्स में या एक्साइज में ऐसा होता था कि फैक्ट्स को देख के उनको समझ में आता था कि नहीं इनके ये रिकॉर्ड चेक करने चाहिए, इनका ये ITC का रिकॉर्ड चेक करना था चाहिए, ये रीजन टू बिलीव उनका हो सकता है. अंडर इंडियन पिनल कोड रीजन टू बिलीव मीन पर्सन इज सेड टू हैव रीजन टू बिलीव अ थिंग इफ ही हैज सफिशिएंट कॉज टू बिलीव दैट थिंग मस्ट नॉट बी अदरवाइज. रीजन टू बिलीव इज अ डिटर्मिनेशन बेस्ड ऑन इंटेलिजेंट एग्जामिनेशन एंड इवेल्युएशन. इट डिफरेंट फ्रॉम प्योरली सब्जेक्टिव कंसिडरेशन. ठीक है, ठीक है, ओके, एग्जाम के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है. कॉन्फिस्केशन ऑफ गुड्स मैंने लास्ट चैप्टर में भी पढ़ाया था, अभी पढ़ा रहा हूँ. कब आपके गुड्स कॉन्फिस्केट हो सकते हैं? सेक्शन 130 में. एक तो आपने कोई गुड्स सप्लाई किया या रिसीव किया इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट, या आपने प्रॉपर अकाउंटिंग नहीं की तो कॉन्फिस्केट हो सकता है. आपने रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई नहीं किया तो कॉन्फिस्केट, अंडरलाइन करते जाओ मेन मेन पॉइंट्स को. आपने रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई नहीं किया तो कॉन्फिस्केट हो सकता है. या कोई भी ऐसा कॉन्ट्रावेंशन किया जहाँ इंटेंट टू इवेड द पेमेंट ऑफ टैक्स है तो आपका गुड्स कॉन्फिस्केट हो सकता है. ओके, सी माइनस नहीं, ये प्रायोरिटी है प्लस पे रखना कि कौन कौन सी केस में गुड्स कॉन्फिस्केट हो सकता है. नाउ एक्सप्लेन द पावर ऑफ ऑफिसर ड्यूरिंग सर्च एंड ऑल्सो स्टेट द टाइम लिमिट व्हेन द सीज डॉक्यूमेंट कैन बी रिटर्न. ये प्रायोरिटी सी में रखो. ऑफिसर कैरिंग आउट द सर्च हैज अ पावर टू सर्च फॉर और सीज गुड्स
विच आर लायबल टू कॉन्फिस्केशन एंड डॉक्यूमेंट बुक्स और थिंग्स फ्रॉम द प्रीमाइसेस. मतलब वो गुड्स या फिर डॉक्यूमेंट बुक्स और थिंग्स इनका भी सर्च कर सकता है. इफ इट इज नॉट प्रैक्टिकेबल टू सीज एनी सच गुड्स देन सेम मे बी डिटेन. ओके, पर्सन फ्रॉम होम दिस गुड्स सीज शैल बी एंटाइटल टू टेक अ कॉपीज एक्सट्रैक्ट ऑफ सीज गुड्स ड्यूरिंग द सर्च. ऑफिसर हैज अ पावर टू ब्रेक पावर टू ब्रेक ओपन द डोर ऑफ द प्रीमाइसेस ऑथराइज टू बी सर्च इफ एक्सेस ऑफ सेम इज क्या डिनाइड. मतलब कोई रूम का एक्सेस डिनाई किया तो उसको उसके डोर्स भी ब्रेक कर सकता है. वाइल कैरिंग आउट द सर्च विद इन द प्रीमाइसेस ही कैन ब्रेक ओपन एनी अलमीरा और बॉक्स इफ एक्सेस ऑफ सच अलमीरा और बॉक्स इज डिनाइड और इन एनी गुड्स अकाउंट रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट. मतलब जो चाहे वो कर सकता है सर्च में. उसको गुड्स ढूंढना है, बुक्स ढूंढना है या रजिस्टर ढूंढना है. ओके, टाइम लिमिट सीज डॉक्यूमेंट बुक्स और थिंग्स शैल बी रिटेन ओनली टिल द टाइम ऑफ सेम आर रिक्वायर्ड फॉर एग्जामिनेशन इंक्वायरी और प्रोसीडिंग एंड इफ दीज आर नॉट रिलाइड ऑन तो 30 दिन में उसने वापस कर देना चाहिए. मतलब जो भी डॉक्यूमेंट बुक्स रजिस्टर्ड सीज किए जब तक उसकी प्रोसीडिंग कंप्लीट नहीं होती तब तक रख सकता है और जैसी प्रोसीडिंग कंप्लीट होगी 30 दिन में वापस कर देगा. एक्सप्लेन द मैनर इन विच गुड्स और डॉक्यूमेंट कॉन्फिस्केटेड शैल बी रिलीज. प्रोविजनल बेसिस द सीज गुड्स शैल बी रिलीज ऑन प्रोविजनल बेसिस ऑन एग्जीक्यूशन ऑफ बॉन्ड एंड फर्निशिंग द प्रिस्क्राइब अमाउंट ऑफ सिक्योरिटी. अगर आपके गुड्स सीज हो जाते हैं तो फिर आपको वापस दिए जा सकते हैं अगर आप बॉन्ड एग्जीक्यूट करते हो या उसका एप्लीकेबल टैक्स इंटरेस्ट और पेनल्टी पे करते हो. एक्चुअल रिटर्न ऑफ गुड्स इन केस ऑफ सीजर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एमसीक्यू क्वेश्चन स्टार करना. इन केस ऑफ सीजर ऑफ गुड्स अ नोटिस हैज टू बी इश्यूड विद इन 6 मंथ. अगर किसी के भी गुड्स सीज कर लिए गए तो 6 महीने के अंदर अंदर उसको नोटिस देना जरूरी है. इफ नो नोटिस इश्यूड विद इन अ पीरियड ऑफ 6 मंथ्स ऑल सच गुड शैल बी रिटर्न एंड पीरियड ऑफ 6 मंथ्स कैन बी एक्सटेंडेड बाय कमिश्नर फॉर 6 मंथ. मतलब क्या, अगर आपने कोई भी किसी के सर्च में गुड्स सीज किए होंगे तो उसके अगेंस्ट में आपको प्रोसीडिंग इनिशिएट करना पड़ेगा विद इन क्या 6 मंथ्स. नोटिस देना पड़ेगा विच कैन बी एक्सटेंडेबल फॉर फर्दर 6 मंथ. 6 महीने में अगर कोई भी प्रोसीडिंग इनिशिएट नहीं की बाय इशूइंग नोटिस तो फिर उसके सीज किए हुए गुड्स उसे वापस करना पड़ेगा. डिस्पोजल ऑफ गुड्स गवर्नमेंट में हैविंग रिगार्ड टू पेरिशेबल और हजार्डियस नेचर of any goods or depreciation in value of goods with the passage of time, constraint of storage space of the goods or other relevant consideration, notify the goods which shall be disposed by proper officer in prescribed manner. Matlab perishable hazardous goods ho gaye to wo pehle bhi dispose ho sakte hai. Okay, search and seizure. Dekho ab search aur seizure kaise hoga. State the basic requirement to be observed during search. Yahan aapne ye iske liye wo movie dekhna. जैसे यहाँ पे अजय देवगन गया. तो सर्च कैसे चालू हुआ. पहले तो वैलिड वारंट. अजय देवगन पहले हायर अथॉरिटी के पास गया, वारंट लिया कि भाई मुझे ये पॉलिटिशियन के अगेंस्ट में क्या करना है, सर्च करना है. पहले वारंट लिया गया. लेडी ऑफिसर भी अकम्पनिंग थी अगर मूवी देखोगे तो आप. लेडी ऑफिसर के अकम्पनिंग टू सर्च. उसके बाद में अगर रेसिडेंस का सर्च होगा तो जाते ही अपनी आइडेंटिटी वो डिस्क्लोज कर रहे थे यानी वो सब अपनी आइडेंटिटी बता रहे थे. वो मूवी में. उसके बाद में सर्च वारंट शुड बी एग्जीक्यूटेड बिफोर स्टार्ट ऑफ सर्च. नाउ जो भी आपने सर्च वारंट लिया वो सर्च वारंट पर्सन इन चार्ज, वो वहाँ का जो पर्सन इन चार्ज उसे सर्च वारंट दिखाया जाएगा, अपनी आइडेंटिटी दिखाई जाएगी. और सर्च वारंट पर उसकी सिग्नेचर ली जाएगी. दो विटनेसेस अगर आपको याद होगा तो मूवी में दो विटनेसेस भी थे कि सर्च वारंट पे, कि दो विटनेसेस वहाँ कि भाई ये जो सर्च वारंट किया जा रहा है. और सर्च शुड बी मेड इन प्रेजेंस ऑफ एटलीस्ट 2 इंडिपेंडेंट विटनेसेस ऑफ लोकेलिटी. हाँ, वो लोकेलिटी के 2 विटनेसेस बुलाए जाएंगे और उनके सामने पूरा सर्च किया जाएगा. अगर वो लोकेलिटी से कोई विटनेस नहीं आ रहा है, क्यों, क्योंकि वो पॉलिटिशियन से डर रहा है विटनेस करने के लिए, तो दूसरे लोकेलिटी से 2 विटनेस बुलाए जाएंगे. उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट, बिफोर द स्टार्ट सर्च प्रोसीडिंग टीम ऑफिसर कंडक्टिंग द सर्च एंड अकम्पनिंग द विटनेस शुड ऑफर देमसेल्फ फॉर देयर पर्सनल सर्च. ये भी किया गया था वो मूवी में कि भाई आप हमें भी सर्च कर लो कि हमने कुछ नहीं लाया है.
नहीं तो कल जाके आप ये बोल दोगे कि हमने बना के डॉक्यूमेंट्स लाके यहाँ रखा, इनकॉर्पोरेट किया, तो आप हमें भी चेक कर लो कि हमने कुछ नहीं लाया है। उसके बाद में आफ्टर कंप्लीशन ऑफ सर्च ऑल ऑफिसर और विटनेसेस शुड अगेन देमसेल्फ फॉर देयर पर्सनल सर्च शुड अगेन ऑफर देमसेल्फ फॉर देयर पर्सनल सर्च पंचनामा एंड मजहर ऑफ प्रोसीडिंग ऑफ सर्च वुड शुड बी नेसेसरीली बी प्रिपेयर्ड ऑन द स्पॉट। फिर आपने देखा होगा अजय देवगन पूरा उसका सर्च का पंचनामा बनाता है। ओके यहाँ पे आफ्टर सर्च इज ओवर सर्च वॉरंट ड्यूली एग्जीक्यूटेड शुड बी रिटर्न इन ओरिजिनल टू इशूइंग ऑफिसर विथ रिपोर्ट रिगार्डिंग द आउटकम्स ऑफ सर्च नेम ऑफ ऑफिसर हु पार्टिसिपेटेड इन सर्च में ऑल्सो बी रिटर्न ऑन द रिवर्स ऑफ सर्च वॉरंट द इशूइंग ऑथॉरिटी ऑफ सर्च वॉरंट शुड मेंटेन अ रजिस्टर्ड ऑफ रिकॉर्ड्स ऑफ सर्च वॉरंट इशूड एंड रिटर्न एंड यूज सर्च वॉरंट शुड बी केप्ट इन रिकॉर्ड्स पंचनामा और महाजर अलॉन्ग विथ एनेक्शर शुड गिवन टू पर्सन इन चार्ज और ओनर ऑफ द प्रीमाइसेस। ये पंचनामा क्या होता है, सर्च में जो भी गुड्स मिले, पैसा मिला, ओके, रजिस्टर मिले, रिकॉर्ड मिले, उसकी लिस्ट बनती है, उसे कहते हैं क्या बेटा, पंचनामा। ओके, और वो पर्सन इंचार्ज की उसके ऊपर साइन लेते हैं कि ये गुड्स वगैरह आप ओके इन प्रेजेंस ऑफ विटनेस मिले हैं। रिलेवेंस ऑफ पंचनामा महाजर मैंने अभी बता दिया। सर्च वॉरेंट क्वेश्चन नंबर 11 ये भी आपने पढ़ लेना। नेक्स्ट, व्हाट आर द सेफगार्ड्स प्रोवाइडेड इन रिस्पेक्ट ऑफ सर्च एंड सीजर। देखो, सर्टन सेफगार्ड्स आर प्रोवाइडेड इन सेक्शन 67 ऑफ सीजीएसटी एक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ पावर टू सर्च एंड सीजर। सीजर ऑफ गुड्स और डॉक्यूमेंट शुड नॉट बी रिटेन बियॉन्ड द पीरियड नेसेसरी फॉर देयर एग्जामिनेशन। मतलब क्या भाई, टैक्सपेयर के पास क्या सेफगार्ड है, कोई मेरे शॉप में कोई ऑफिसर आ गया, करना है सर्च, करना है, रुक जाओ, मेरे भी कुछ राइट्स बनते हैं, आपने बोल दिया सर्च कर लिया, ऐसा नहीं है। पहला सेफगार्ड ऐसा है कि आप जो भी डॉक्यूमेंट्स या रिकॉर्ड्स सीज करके लेके जाओगे वो तब तक ही अपने पास रखना जब तक आपकी प्रोसीडिंग कम स्टार्ट नहीं होती। एक बार एग्जामिनेशन के लिए जो जरूरी है वही लेके जाओ, जो जरूरी नहीं है वो ले जाने की कोई ज़रूरत नहीं, या फिर अगर लेके जाते हो तो 30 दिन में वापस करना पड़ेगा। नाउ नेक्स्ट, फोटोकॉपीज ऑफ डॉक्यूमेंट कैन बी टेकन। हाँ, आप मेरे रिकॉर्ड्स लेके जाओ, रुक जाओ, मुझे इसकी जेरोक्स निकालना दो, क्योंकि ओरिजिनल आप लेके जा रहे हो, मुझे उसकी जेरोक्स जरूरत पड़ेगी, मैं अपने लॉयर के पास जाऊँगा, एडवोकेट के पास जाऊँगा, सीए के पास जाऊँगा, तो रिकॉर्ड्स की फोटोकॉपीज मुझे परमिशन दिया जाए कि मैं उसकी फोटोकॉपीज निकाल सकूँ। सीजर ऑफ द गुड्स इफ नोटिस इज नॉट इश्यूड विद इन 6 मंथ। 6 महीने में अगर नोटिस नहीं दिया तो मेरे जो भी गुड्स सीज किए गए मुझे वापस कर दिए जाए, 6 महीने में अगर नोटिस नहीं आया तो, जो फर्दर 6 मंथ एक्सटेंड हो सकती है। इन्वेंटरी ऑफ सीज गुड्स शैल बी मेड बाय सीजिंग ऑफिसर। जो भी गुड्स मेरे यहाँ सीज हो रहे हैं उसकी इन्वेंटरी बनाओ और मेरी साइन लो कि ये गुड्स आप सीज करके, नहीं तो ऐसा होता था गुड्स सीज होते थे और गायब हो जाते थे और फिर बाद में बोला जाता नहीं हमने किए ही नहीं, तो उसकी इन्वेंटरी बनाया जाए। सर्टन स्पेसिफाइड कैटेगरी गुड्स सच एज पेरिशेबल हजार्डियस गुड्स कैन बी डिस्पोज ऑफ इमीडिएटली आफ्टर सीजर। कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1970 रिलेटिंग टू सर्च एंड सीजर शैल अप्लाई। And one important modification in relation to subsection 5 of section 165 Code of Criminal Procedure, instead of sending copies of any record made in course of search to nearest magistrate empowered to take cognizance of offence, it has sent to the principal commissioner. मतलब क्या हो जाता था कि जो सर्च की कॉपी बनती थी वो कॉपी मैजिस्ट्रेट के बाद भेजनी पड़ती थी, पर जीएसटी में मैजिस्ट्रेट के पास नहीं, किसके पास भेजना पड़ेगा, प्रिंसिपल कमिश्नर या कमिश्नर के पास। Now, एक्सप्लेन द प्रोविजन रिलेटिंग टू इंस्पेक्शन ऑफ गुड्स इन मूवमेंट। हाँ, गुड्स मूवमेंट में होगा तो इंस्पेक्शन में ई वे बिल जरूर देखा जाएगा। ई वे बिल इज मैंडेटरी ड्यूरिंग इंस्पेक्शन। अरेस्ट, एक्सप्लेन द टर्म अरेस्ट एंड स्टेट इट्स रिलेवेंट प्रोविजन। ओके, अरेस्ट हैज नॉट बीन डिफाइंड इन जीएसटी एक्ट, हाउएवर एज पर जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट द टेकिंग इन टू कस्टडी ऑफ पर्सन की कस्टडी लेना अंडर सम लॉफुल कमांड और अथॉरिटी, उसे अरेस्ट का कहा जाता है। एज पर सेक्शन 69 अरेस्ट कैन बी कैरिड आउट ओनली वेयर पर्सन इज एक्यूज ऑफ ऑफेंस। कुछ याद आ रहा है आपको, 1 करोड़ 1 से 2 करोड़ 1 से 2 करोड़ तक 2 से 5 करोड़ तक और 5 करोड़ के ऊपर प्रोसिक्यूशन एक्शन, कुछ याद आ रहा है, वहां आपका अरेस्ट हो सकता है। ओके, वेयर द टैक्स अमाउंट मोर देन स्पेसिफाइड लिमिट, वो स्पेसिफाइड लिमिट कुछ याद आ रही है आपको, एक बार बार से बताओ कौन सी,
नहीं नहीं 0 to 1 करोड़ नहीं था, 1 से 2 करोड़, 2 से 5 करोड़, 5 करोड़ के ऊपर वहाँ अरेस्ट हो सकता है जहाँ प्रोसिक्यूशन एक्शन होगा। फर्दर अरेस्ट अंडर GST एक्ट कैन बी मेड ओनली अंडर ऑथराइजेशन ऑफ कमिश्नर, कमिश्नर का वारंट होना जरूरी है। Whenever the commissioner has reason to believe that person has committed any such offence, he can authorize may other officer subordinate to him arrest such person. Nature of offence thus punishable. 132 वो जो imprisonment है limit wise वो अच्छे से पढ़ के जाना है वहाँ, ओके उस पर क्वेश्चन आ सकता है। Explain the provision pertaining to the authorization of arrest by proper officer. The commissioner can authorize an officer to arrest person if he has reason to believe that person has committed the offence attracting 132(1)(a), b, c, d, or punishable under 132(1)(2) or 132 can be arrested by CGST officer on authorization by commissioner. This is essentially mean that person can be arrested for clauses as specified above where tax evasion is more than kya 2 crores. Okay, ये वापस 132 में दिया है, मैंने पढ़ाया है। Okay, तो आप जाके देख लेना ये क्वेश्चन। हाँ नेक्स्ट स्टार करना। व्हाट आर द सेफगार्ड मेजर प्रोवाइडेड फॉर अ पर्सन हु इज प्लेस अंडर अरेस्ट। देर आर सर्टन सेफगार्ड प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन 69 फॉर अ पर्सन हु इज प्लेस अंडर अरेस्ट। दीज आर ए पर्सन इज अरेस्टेड फॉर कॉग्नाइजेबल ऑफेंस ही मस्ट बी इन्फॉर्म इन राइटिंग ऑफ द ग्राउंड ऑफ अरेस्ट एंड ही मस्ट प्रोड्यूस बिफोर मैजिस्ट्रेट विद इन क्या 24 आवर्स ऑफ अरेस्ट। And if person is arrested for non-cognizable offence and bailable, deputy or assistant commissioner can release him on bail, underline, on bail, and he will be subject to same provision as officer in charge of police station. देखो, अब आपका definitely ये सवाल आएगा सर, cognizable और non-cognizable offence क्या होता है? मैं बताऊंगा। Cognizable offence होगा तो फिर bail आपको commissioner नहीं दे सकता है, आपको अरेस्ट किया जाएगा, मैजिस्ट्रेट के सामने प्रोड्यूस किया जाएगा, और बेल चाहिए तो आपको कोर्ट में अप्लाई करना पड़ेगा। और नॉन कॉग्नाइजेबल ऑफेंस होगा, आई रिपीट द वर्ड, क्या नॉन कॉग्नाइजेबल ऑफेंस होगा तो बेल डायरेक्ट कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर ही दे सकता है या डिप्टी कमिश्नर। ओके, कोर्ट के पास जाने की, मैजिस्ट्रेट के पास जाने की कोई जरूरत नहीं होती है। फिर एक्सप्लेन द वेरियस कैटेगरीज ऑफ ऑफेंस। फिर ये भी सवाल आता है कि कब कहना नॉन कॉग्नाइजेबल और कब कहना नॉन कॉग्नाइजेबल। ओके, नीचे लिस्ट दी है, हम देखेंगे। ठीक है, देखो मीनिंग क्या है कॉग्नाइजेबल। कॉग्नाइजेबल ऑफेंस मीन सीरियस कैटेगरी ऑफ ऑफेंस। एक मिनट, एक बार फिर से, अगर आपका ऑफेंस कॉग्नाइजेबल होगा मतलब आपको बेल कमिश्नर देगा या मैजिस्ट्रेट से मिलेगी, मैजिस्ट्रेट से बेल मिलेगी। ओके, कभी कभी तो आदमी परेशान हो जाता है, सैटरडे संडे कोर्ट बंद और ये जानबूझ के अरेस्ट करते फ्राइडे को, नहीं समझे आप। ओके, तो बिल तो ले ही नहीं सकता। क्यों नहीं ले सकता बिल? क्योंकि मैजिस्ट्रेट सैटरडे संडे कोर्ट बंद, आप 3 दिन रहे बेटा अंदर, मंडे को देखेंगे मैजिस्ट्रेट के सामने लेके जाएंगे, बिल मिलती है कि नहीं मिलती है उसके लिए प्रोसीडिंग होगी। ओके, तो तेरी कस्टडी वापस मिलेगी नहीं मिलेगी, बेल मिलेगी बाद में। तो कॉग्नाइजेबल में आपको बेल, वो सीवियर ऑफेंस के लिए होता है। और जो है देखो, कॉग्नाइजेबल ऑफेंस मीन सीरियस कैटेगरी ऑफ ऑफेंस इन रिस्पेक्ट ऑफ विच पुलिस ऑफिसर हैज अथॉरिटी टू मेक अरेस्ट विदाउट वारंट, अंडरलाइन, कॉग्नाइजेबल ऑफेंस में अरेस्ट विदाउट वारंट हो जाएगा एंड स्टार्ट टू इन्वेस्टिगेट विथ और विदाउट परमिशन ऑफ क्या कोर्ट। ओके, बेलेबल, a bailable offence is a criminal offence in which accused shall be offered to release on suitable bail on his arrest by police or by court informing about his right to be released. Non cognizable matlab offence means relatively less serious, underline, relatively less serious offences in respect of which police officer does not have the authority to make an arrest without warrant. मतलब नॉन कॉग्नाइजेबल ऑफेंस होगा तो वारंट होना जरूरी है। ओके, उसके बाद में नॉन बेलेबल। नॉन बेलेबल ऑफेंस इज एन ऑफेंस इन विच एक्यूज पर्सन शैल नॉट बी ऑटोमेटिकली एंटाइटल्ड टू बी रिलीज ऑन बेल। हाउएवर इट डज नॉट मीन दैट कोर्ट मे नॉट ऑर्डर हिम टू रिलीज ऑन बेल। मतलब क्या, मैं एक वर्ड में कहूँ क्या, जो कॉग्नाइजेबल होते हैं वो नॉन बेलेबल होते हैं और जो नॉन बेलेबल होते हैं वो, सॉरी, नॉन कॉग्नाइजेबल होते वो बेलेबल होते। मतलब सर नहीं समझा,
कॉग्नाइजेबल सीरियस ऑफेंस हो गया, उसकी बेल डायरेक्ट कोर्ट से मिलेगी, कमिश्नर नहीं, कोर्ट दे सकता है बेल, कमिश्नर नहीं। और नॉन कॉग्नाइजेबल वारंट पे अरेस्ट किया जाएगा, जिसकी बेल ऑफिसर भी दे सकता है, कोर्ट के पास जाने की जरूरत नहीं। एक बार फिर ये स्टूडेंट नोट में लिखो, कॉग्नाइजेबल ऑफेंस आर नॉन बेलेबल, कॉग्नाइजेबल ऑफेंस आर नॉन बेलेबल अनलेस बेल इज गिवन बाय कोर्ट। Unless bail is given by court, or next, non-cognizable offences are bailable. Non-cognizable offences are bailable where the bail can be given by commissioner. Where bail can be given by kya? Commissioner. Done? Chalo. Explain the term cognizable and non-cognizable offence under the CGST Act. Start karna. Ek minute, explain the cases karna term ne. Cases of cognizable and non-cognizable offence under this Act. In section 132 of CGST Act, it is provided that offence relating to taxable goods or services where amount of tax evaded, amount of tax credited wrongly availed, or amount of refund wrongly taken exceeds 5 crores, it shall be cognizable and non-bailable. And in such cases, the bail can be considered by judicial magistrate. Very, very important question. Matlab tax evasion, ya ITC, ya phir refund, 5 crores se ज्यादा होगा तो वहां सजा भी कितनी है बता? 5 करोड़ से मिनिमम 6 महीना और मैक्सिमम 5 साल। और वो नॉन कॉग्नाइजेबल है, सॉरी वो कॉग्नाइजेबल है और नॉन बेलेबल है, सीवियर ऑफेंस है और उसकी बेल डायरेक्टली मैजिस्ट्रेट से मिलेगी। अदर ऑफेंस और एक्ट आर नॉन कॉग्नाइजेबल एंड बेलेबल एंड ऑल अरेस्टेड पर्सन शैल बी रिलीज ऑन बेल बाय डिप्यूटी और असिस्टेंट। ये क्वेश्चन पढ़ के ही जाना आ सकता है, कब कॉग्नाइजेबल और बेल मिलेगा और कब नहीं। व्हाट आर द प्रोसिक्यूशन टेकन ड्यूरिंग द अरेस्ट, ठीक है ये आपने पढ़ लेना, ये कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं। इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस फॉर अरेस्ट, डिसीजन ऑफ अरेस्ट नीड टू बी टेकन इन केस टू केस बेसिस कंसिडरिंग द वेरियस फैक्टर्स, नेचर एंड ग्रेविटी ऑफ ऑफेंस, क्वांटम ऑफ ड्यूटी एवेडेड, ये भी प्रायोरिटी सी में रखना, कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अरेस्ट के लिए क्या क्या देखना चाहिए, ओके नेक्स्ट आ जाओ। पावर टू इश्यू समन, स्टेट द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ पर्सन हु समन। एज पर सेक्शन 70, अ पर्सन हु इश्यूड अ समन इज लीगली, जिसको भी समन दिया गया, लीगली बाउंड टू अटेंड इधर इन पर्सन और ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव, और ही इज बाउंड टू स्टेट द ट्रूथ। मतलब उसका जिसको भी समन भेजा गया वो या उसके बिहाफ पे कोई आना बहुत जरूरी है, और जो भी सही है वो ट्रुथ उसको एक्सप्लेन करना जरूरी है। बिफोर द ऑफिसर हु इश्यूड अ समन अपॉन सब्जेक्ट विच सब्जेक्ट मैटर ऑफ एग्जामिनेशन प्रोड्यूस सच डॉक्यूमेंट अदर थिंग्स, ठीक है। स्टेट द इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस ऑफ समन, ये आपने पढ़ लेना। यहाँ नेक्स्ट कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाट आर द प्रोसिक्यूशन टू बी ऑब्जर्व व्हाइल इश्यूइंग द समन, ये भी ठीक है। ओके एक्सेस टू प्रीमाइसेस, ये इंपॉर्टेंट। 24, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इंक्वायरी अंडर द एक्ट ड्यूली एम्पावर्ड ऑफिसर कैन एक्सेस टू बिजनेस प्रीमाइसेस विच मे बी रिक्वायर्ड फॉर द पर्पज ऑफ सच इंक्वायरी। ड्यूरिंग सच एक्सेस ऑफिसर कैन इंस्पेक्ट बुक्स ऑफ अकाउंट, डॉक्यूमेंट्स, कंप्यूटर, कंप्यूटर प्रोग्राम, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एंड सच अदर थिंग्स एज मे बी रिक्वायर्ड। नाउ जब भी हमारा ऑफिसर इंक्वायरी या इन्वेस्टिगेशन के लिए आएगा तो पहली बात आपके बिजनेस प्रीमाइसेस पे आएगा, ठीक है, घर पे नहीं आएगा, जो आपकी बिजनेस प्रीमाइसेस है वहीं आएगा। दूसरी बात, जब भी वो आएगा तो वो बुक्स, डॉक्यूमेंट्स, कंप्यूटर, कंप्यूटर रिकॉर्ड्स, ये सभी चीज़ें चेक कर सकता है।
इट इज द ड्यूटी ऑफ पर्सन इन चार्ज ऑफ सच प्रीमाइसेस टू फर्निश रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट. जब भी हमारा ऑफिसर आएगा तो उसका रिस्पेक्ट रखना, उसको डोर से ही बाहर मत हकालना. ओके, उसको बाहर ना निकाल. वो आएगा, उसने जो जो मांगा, ये आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप सभी डॉक्यूमेंट रिकॉर्ड्स उसको प्रोवाइड करोगे. सिमिलरली पर्सन इन चार्ज ऑफ द बिजनेस प्रीमाइसेस आर ऑल्सो ड्यूली बाउंड टू फर्निश सच डॉक्यूमेंट टू ऑडिट पार्टी डिप्यूटेड बाय द ऑफिसर और चार्टर्ड अकाउंटेंट और कॉस्ट अकाउंटेंट हु हैज बीन डिप्यूटेड बाय कमिश्नर टू कैरी आउट द स्पेशल ऑडिट. स्पेशल ऑडिट के तहत या डिपार्टमेंट जो भी है, डिपार्टमेंटल ऑडिट के तहत जो भी हमारा ऑफिसर सीए सीएमए या फिर ऑफिसर सीए सीएमए ये लोग आएंगे तो आपको इन सबको रिकॉर्ड्स देने की जरूरत होगी. रिकॉर्ड दैट शुड बी कवर्ड अंडर दिस प्रोविजन एंड रिक्वायर्ड टू बी प्रोड्यूस. ओके, रिकॉर्ड्स प्रिपेयर्ड एंड मेंटेन बाय रजिस्टर पर्सन एंड डिक्लेयर टू द प्रॉपर ऑफिसर इन प्रिस्क्राइब मैनर. ट्रायल बैलेंस, आपका एनुअल फाइनेंशियल अकाउंट ऑडिटेड, कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट, इनकम टैक्स ऑडिट रिपोर्ट एंड अदर रिलेवेंट रिकॉर्ड्स व्हाट इज नेसेसरी, ये सब आपको प्रोड्यूस करना पड़ेगा. स्टेट द क्लास ऑफ ऑफिसर हु इज रिक्वायर्ड टू असिस्ट द प्रॉपर ऑफिसर. मतलब सेक्शन 72 में, ओके 71 में आपका एक्सेस होगा, 72 में आपको पुलिस हेल्प कर सकती है ऑडिट और इन्वेस्टिगेशन के लिए. रेलवे पुलिस भी हेल्प कर सकती है, कस्टम डिपार्टमेंट भी हेल्प कर सकता है, स्टेट गवर्नमेंट की ऑफिसर भी हेल्प कर सकते हैं, ओके विलेज ऑफिसर भी हेल्प कर सकते हैं या अदर क्लास ऑफ ऑफिसर. तो ये सी माइनस में रखना, कोई इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ये लोग आपको हेल्प कर सकते हैं. इस तरह से ये चैप्टर यहाँ पे एंड होता है. ओके, अब लास्ट टॉपिक, उसके एक दो प्रोविजंस में एक्सप्लेन करूँगा. मिसलेनियस, आ जाओ मिसलेनियस में. वेल, हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? अच्छे से पढ़ाई चालू है आपकी? ठीक है, मुझसे नाराज़ तो नहीं हो? हाँ बेटा, नाराज़ हो गए होगे तो थोड़ा पॉजिटिव एनर्जी से मैं जो कहने जा रहा हूँ वो सुन लीजिएगा. चलो, आपके भलाई के लिए. पिछले 4-5 लेक्चर्स जो बेटा मैंने लेट अपलोड किए उसके पीछे रीज़न ये था कि मैं ये सोच रहा था कि आपको नोट्स मिल जाए और नोट्स मिलने के बाद अगर आप लेक्चर करो तो ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि मार्क नोट्स जो है सभी लेक्चर देख के मुझे वो ड्रॉ करना मुश्किल, थोड़ा टाइम जा रहा है. तभी मैंने अपने स्टाफ को वो वर्क अलोकेट किया है, तो मार्क्स नोट्स का भी मैं देने का पूरा ट्राई करूँगा. पर पिछले 4-5 लेक्चर जो है 40 के बाद के लेक्चर्स का मैंने जानबूझ के थोड़ा लेट अपलोड किया है, जिसमें आपके फ़ायदे के लिए था कि आपको अगर नोट्स मिल जाए तो ज़्यादा बेटर. ठीक है, देखो आज 45th नंबर का लेक्चर हो गया है. वैसे तो 45 लेक्चर्स थे, लेकिन अब इसमें हमारे दो चैप्टर शायद बाकी है. दो चैप्टर्स हैं ना, एक ऑफेंस और पेनल्टीज वाला और एक मिसलेनियस वाला. तो ऑफेंस और पेनल्टीज और मिसलेनियस का चैप्टर मुझे रिकॉर्ड करना पड़ेगा, तो मैं आपको रिकॉर्ड करके ज़रूर दूंगा. वो लेक्चर नंबर 46 रहेगा बेटा. तो इस बार लेक्चर थोड़े ज़्यादा लग गए क्योंकि स्टूडियो रिकॉर्डिंग थी, थोड़ा ब्लेंड करके था, तो लेक्चर्स इस बार आपके लगभग 63-64 जाएगा हुए होंगे. पर इट्स ओके, लेक्चर से ज़्यादा आपको कंसेप्ट बहुत अच्छे समझ में आया होगा, ये मैं आशा करता हूँ, और आपने GST एंजॉय किया होगा. दूसरी बात बेटा, मैं आपको ये कह दूँ कि अब हमारे जो भी चैप्टर्स बाकी है, एक दो चैप्टर्स जो भी बाकी है, वो चैप्टर्स नेक्स्ट सेशन में मैं यहाँ रिकॉर्ड करके आपको भेजूँगा. प्लस आपको पढ़ने की स्ट्रेटजी, मतलब आपने पढ़ना कैसे चाहिए, कौन से चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में हम बात करेंगे. नेक्स्ट बेटा, यहाँ पे अभी मेरे पे बहुत ट्रिमेंडस प्रेशर है इसका, है कि आपकी शिपमेंट डिस्पैच, फिर आपके डाउट्स, आपके क्वेरीज जो है, ओके तो इसका ट्रिमेंडस प्रेशर मेरे पे चालू है, इसलिए थोड़ा मैं लेट भी हो रहा हूँ चीज़ें कंप्लीट करने में. पर आप समझ सकते हो, लगभग 6-7 हज़ार शिपमेंट निकालना है, उसके बाद में भी ट्रैकिंग नंबर कोऑर्डिनेट करना है, लिमिटेड स्टाफ है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स मैं फेस कर रहा हूँ. तो प्लीज़ आप समझिएगा, आपका कोऑपरेशन बड़ा इंपॉर्टेंट है. इसलिए लास्ट लेक्चर अगर डालने में मेरे से लेट हो जाए, मैं 3-4 दिन में डाल दूंगा, लेकिन थोड़ा बहुत लेट हो जाए तो आपने वो चीज़ समझ के लेने रहा है
ठीक है, लेकिन मैं रिकॉर्ड करके लास्ट सेशन डाल दूंगा। टोटल 45 सेशंस में मुझे लगा कवर कर लूंगा, लेकिन एक सेशन मैंने बढ़ा दिया है, टोटल 46 सेशन हुए जीएसटी के। इसके बाद आपको एक काम करना है, तब तक आप क्या करो, क्वेश्चनेयर सॉल्व करो। क्वेश्चनेयर आपको मिल गया होगा तो क्वेश्चनेयर सॉल्व कीजिए बेटा, क्वेश्चनेयर बहुत अच्छा है। प्लस ICAI के एडिशनल क्वेश्चन है वो भी देखिएगा। कुछ लास्ट टॉपिक पर अगर आपके अच्छे से नहीं हुए होंगे तो लास्ट टॉपिक पर मैंने ICAI के एडिशनल डिस्कशन यूट्यूब पर डाला है, वी स्मार्ट अकेडमी पे आप साइन कीजिएगा और वो जरूर सुनिएगा, आपको बहुत फायदा होगा, तो वो भी जरूर देखिएगा बेटा। तब तक ये सब चीजें करो, मैं लास्ट सेशन डाल देता हूं और पूरा आपको गाइड करूंगा कि आपने कैसे बनना चाहिए। सो दोस्तों अपना पूरा ख्याल रखे, स्टे फिट स्टे हेल्दी, अपना और इस अपना अपने फैमिली का पूरा पूरा ध्यान रखिएगा। और जहां तक है नवंबर एग्जाम टाइम पे ही होगी मुझे ऐसा लगता है, वो पोस्टपोन नहीं होगी, तो आपने पढ़ाई अच्छे से करना है और हमें सक्सेसफुल होना है। ओके दोस्तों, तो चलो अब एक लास्ट लेक्चर है, मैं कुछ दिनों में डाल दूंगा, ठीक है, डन।